अबे अपनी मस्ती में भूल गए हो, किस हस्ती से बात कर रहे हो? हस्ती हस्ती और तू? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-9010701 पर। हेलो फ्रेंड्स, तो पोस्टर से ही आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम कौन सी फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पागलपंती फिल्म के बारे में। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी पागलपंती फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करेंगे, इस फिल्म की कहानी को पूरा एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ ये फिल्म आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा इसकी जानकारी भी आज के इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए दोस्तों बगैर देरी की आज की मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं फिल्म पागलपंती के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों इस फिल्म को 22 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और बता दें दोस्तों रिलीज होने के बाद ये फिल्म फ्लॉप हो गई, क्योंकि फिल्म को रिलीज करने के बाद इस मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीद था कि फिल्म अच्छी कमाई करेगी बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में बहुत ही अच्छे स्टार कास्ट को साइन किए गए थे और इसी के बल पे इस फिल्म को चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हुआ। दोस्तों फिल्म क्यों फ्लॉप हुआ के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। तो दोस्तों फिल्म में अनिल कपूर, जोहन अब्राहम, इलियाना डिक्रिज, अरशद वारसी, उर्वशी रौटेला, एन पलकीत सम्राट, एन कीर्तिक हरवंदा, साथ ही साथ इस फिल्म में सौरभ शुक्ला, एन इनामुल हक इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। यहाँ फ्रेंड्स इन सभी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के बारे में। तो बता दें दोस्तों पागलपंती फिल्म को अनीस बज्मी सर ने डायरेक्ट किया है और इसी के साथ दोस्तों बात कर ले फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में। तो भूषण कुमार, एन अभिषेक पाठक, कृष्णा कुमार, एन कुमार मंगत ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए थे। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले फिल्म के राइटर के बारे में। तो अनीस बज्मी सर ने फिल्म की कहानी को लिखी थी। बता दें दोस्तों अनीस बज्मी सर ने फिल्म की कहानी को लिखते समय अनिल कपूर को ध्यान में रखकर इस फिल्म की कहानी को लिखा था और फिल्म में अनिल कपूर को मेन रूप में लिया गया था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप कर गया। दोस्तों क्या रीजन था जिसकी वजह से फिल्म फ्लॉप हुआ इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों बता दें पागलपंती फिल्म को बनाने में 72 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और वहीं पर हम बात कर ले इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों फिल्म ने 49 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और इसी के साथ इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। और दोस्तों इसी के साथ हम बात कर ले अनिल कपूर के बारे में। तो इस फिल्म में वाईफाई भाई के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों साथ ही साथ बात कर ले जोहन अब्राहम के बारे में। तो राज किशोर के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं। इसी के साथ इलियाना डिक्रिज के बारे में हम बात कर ले तो संजना के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है और अरशद वारसी फिल्म में जंगी के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं और वासी रौटेला फिल्म में काफे के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है। साथ ही साथ पुलकेश सम्राट के बारे में हम बात कर ले तो चंद्र चंदू के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। कीर्ति करवंदा फिल्म में जानवी फेओ सैनी की मोना के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। सौरभ शुक्ला फिल्म में राजा साहब के रूप में अभिनय किए हैं। इमामुल हक फिल्म में निराज मोदी के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। अन्य सहायक किरदार के बारे में हम बात कर ले तो जाकिर हुसैन फिल्म में तुली सेठ के रूप में अभिनय किए हैं। अशोक सम्राट फिल्म में बुल्ली सेठ के रूप में अभिनय किए हैं। विजेंद्र काला फिल्म में मामा जी के रूप में अभिनय किए हैं। मुकेश तिवारी फिल्म में बाबा जानी के रूप में अभिनय किए हुए हैं। एंडोली बिंद्रा राजा साहब की वाइफ के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पागलपंती फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद
पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह बता दे दोस्तों, पागलपंती मूवी अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित की गई और पनोरमा स्टूडियो के बैनर के तले कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के साथ टी सीरीज के बैनर के तले भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित की गई थी। ये फिल्म 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, इलियाना डिक्रेज अभिनय की है। साथ ही साथ अरशद वारसी और उर्वशी रौटेला, पुलकित सम्राट, कीर्ति खरबंदा और सौरभ शुक्ला भी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई थी। ये मूवी नाटकीय रूप से भारत में 22 नवंबर 2019 को जारी किया गया था और इसे रिलीज करने के बाद आलोचकों से आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाएं मिली है, जिन्होंने मुख्य रूप से लेखन की आलोचना की थी। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की भूखंड के बारे में हम बात कर ले तो पागलपंती मूवी की घोषणा 21 सितंबर 2018 को की गई थी। अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के अपने अनुभव को साझा किया था। अपने सर ने इस फिल्म की शूटिंग की अनुभव को साझा किया था और इस मूवी के बनाने के बारे में उन्होंने कहा था कि लंदन में शूटिंग किसी के साथ जो है रोलर और कोई स्टार जो है राइड से कमी नहीं थी और वहां के मौसम को देखते हुए हमें कुछ जो है मुश्किल पड़ गई थी फिल्म को बनाने में। इसी के साथ दोस्तों प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो फरवरी 2019 में लंदन में शुरू हुई थी, जहां पे लंदन का कार्यक्रम 2 महीने तक चला था और अप्रैल 2019 के अंतिम तक जो है अंतिम हफ्ते में समाप्त हो गया था, जिसमें प्रमुख फोटोग्राफी समाप्त हो गई थी। जॉन अब्राहम मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस के लिए फिल्माते समय घायल हो गए थे। प्रोडक्शन ने फेवरेशन के साथ जो है फिल्माए गए दृश्य, जहां पे मार्केट स्ट्रीट के साथ जो एक व्यवस्था लंदन के साथ बाजार के रूप में 2 गुना ज़्यादा हो गया था, जहां पे गिल्ड हॉल को अतिशब्दी के साथ जो है दुकान में बदल दिया गया था और ऐतिहासिक जो है कार्यकर्ता के साथ चौथम का उपयोग जो है इस फ्लिक के साथ फाइव संग्रहालय इस कार के साथ जो है रिपोर्टिंग किए गए थे, जहाँ पे रो पेरी के साथ स्ट्रीट और एंकर घाट के साथ कार का पीछा करने के दृश्यों के लिए इस फिल्म को आगे बढ़ाया गया था। इसी के साथ बता दे दोस्तों, इस फिल्म की रिलीज से पहले एक सीक्वल की योजना बनाई गई है, जहां पे निर्माता कुमार मंगत ने कहा था कि ये एक बड़ी फ्रेंचाइजी होने जा रही है। इसी साथ बता दे दोस्तों, फिल्म की पटकथा पर काम शुरू किया गया है, जहां पे पहली बार टीजर पोस्टर 18 को जारी किया जाएगा। 18 को जारी किया गया था अक्टूबर 2019 में, उसी दिन कलाकारों की टुकड़ी के चरित्र पोस्टर भी जारी कर दिए गए थे। फिल्म की रिलीज की तारीख आगे बढ़ाई गई और 22 नवंबर 2019 को रिलीज की गई। पागलपंती को आलोचकों से आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली रिलीज होने के बाद। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिए और बैकग्राउंड स्कोर की सिनेमेटोग्राफी की एंड प्रोडक्शन डिजाइन और वेशभूषा की प्रशंसा की, लेकिन लेखन निर्देशन और संगीत और बीएफ के साथ जो है इस मूवी की आलोचना की थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने एक्शन दृश्यों और छायांकन लेखन गीतों के साथ जो है नियुक्त किए हैं और नायिकाओं के चरित्र चित्रण की प्रशंसा करते हुए इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं। न्यूज 18 की प्रियंका सिन्हा झा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए हैं और अरशद वारसी और ब्रिजेत के साथ जो है कला की प्रशंसा की है, लेकिन लेखन और नायिकाओं के साथ और आपको बता दें घिनौने हास्य की आलोचना भी किए गए हैं। टाइम्स के साथ जो है नाव के एक समीक्षक ने इसी तरह से इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिए और प्रदर्शन कुछ जो है चुटकुले छायांकन और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की है। आलोचकों के साथ मूवी के उद्देश्य लंबाई, लेखन और आपको बतला दे संपादन करना था। द मैजिक जो है पीआर ने फिल्म को 5 में से 4 लगाने और लेखन के साथ जो अंतराल की प्रशंसा की थी और कहा था कि जॉनी पर पैसा लगा दो, एक पॉइंट जो है यानी कि हंसी दंगा के लिए पागलपंती गिरोह में शामिल किए गए हैं। इसी तरह इस फिल्म को मीट डे की विनम्र माथुर ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए हैं और इसे अनजाने में मजेदार पाया था। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के सुपूर्णा सरकार ने इसी तरह से फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और अनिल कपूर और सौरभ शुक्ला की आपको बता दें साझेदारी की प्रशंसा करते हुए कुछ दृश्यों की आपको बता दें साझेदारी की प्रशंसा करते हुए फिल्म की मजाकिया लगा था। हालांकि फिल्म के समीक्षक ने पटकथा अच्छी, कॉमेडी और इसके अलावा जो है पंच लाइन की कमी के बारे में कहा था और जबरदस्ती गाने की आलोचना की थी, क्योंकि फिल्म के बारे में Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने इसे 5 में से 1 स्टार दिए और हास्य बीएफ के साथ जो है आलोचना की थी और फिल्म की स्क्रिप्ट को पूर्व विद्यालय के सपनों की सामग्री के रूप में लेबल किया और प्रदर्शन को स्कूली नाटक के लिए बेहतर अनुकूल पाया था। हिंदुस्तान टाइम्स से ज्योति शर्मा बावा ने हास्य लेखन और संवाद संगीत नायिकाओं
भाव और जबरन जो है देशभक्ति की आलोचना की है फिल्म के अंदर। इसी तरह दोस्तों और अधिक जानने की कोशिश करें तो फिल्म का संगीत साजिद वाजिद, यो हनी सिंह और तनिष बागची और नईम सबीर ने दिए हैं, जिसके बोल शबीर अहमद, आरफन खान जो है और इसके साजो महमूद, यो हनी सिंह और दानिश साबरी ने लिखे हैं। फिल्म प्यार किया तो डरना क्या क्या गीत जो है तुम पर हम है अटके मूल रूप से हिमेश रेशमिया द्वारा रचित किए गए सुधाकर शर्मा के गीत और कुमार सानू और कविता कृष्णा मूर्ति द्वारा गाया गया था। इसे तनिष बागची ने फिर से बनाया था। आपको बतला दे चालबाज फिल्म का गीत बीमार दिल, जिसे मूल रूप से लक्ष्मीकांत एन साथी प्यारेलाल धारा संगीतबद्ध किया गया था। गीत रन के साथ जो है बख्शी धारा और मोहम्मद जो है अजीज, और आपको बतला दे कविता कृष्णा मूर्ति धारा गाया गया था, जिसे जो है आपको बतला दे बागची ने फिर से बनाया था। साजिद वाजिद धारा रचित किए गए शीर्षक ट्रैक जो है पागलपंती का थीम संगीत बदमी को 2007 की फिल्म वेलकम के शीर्षक के ट्रैक से लिया गया था। इसके अलावा पागलपंती का ओपनिंग डे, इसके अलावा आपको बता दें डोमेस्टिक जो है कलेक्शन 4.75 करोड़ बतलाई गई थी। दूसरे दिन फिल्म ने 6.50 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया था और तीसरे दिन फिल्म ने 8.25 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया था, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड जो है कलेक्शन 19.50 करोड़ हो गया था। 23 दिसंबर 2019 तक भारत में 39.3 करोड़ और विदेशों में फिल्म ने 9.87 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का दुनिया भर में 49.17 करोड़ से अधिक की कलेक्शन इस फिल्म के अंदर बतलाई गई है। और इसी के साथ इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था, क्योंकि फिल्म को बनाने में इससे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए थे। 70 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया गया था और फिल्म ने 50 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जिसकी वजह से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों फिल्म की कहानी राज किशोर से स्टार्ट होता है, दुर्भाग्य से ग्रस्त है, जो उसके लंबे समय के दोस्त जग जंकी मोहन और चंदू का ठग है, जहाँ पे कंठ का भी अनुसरण करता है। तीनों द्वारा किए गए किसी भी उद्यम के परिणाम में नुकसान या फिर जो असफलताएं ही होती है, यहाँ तक कि उद्घाटन के दिन उनकी पातकों की दुकान भी जल जाती है। तीनों ने संजना को राज से प्यार करने और एक नया पैकेज जो है वितरण व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण दिलाने के धारा इस फिल्म के साथ जो है मूर्ख बनाया था। उनके धारा पहले भी इसी तरह मूर्ख बनाए जाने के बाद उसके चाचा ने उन्हें वाह दी थी और उनके पैसे वापस मांगे और तीनों वहां से भाग जाते हैं, जहाँ पे अनजाने में अपनी पहली जो है डिलीवरी समाप्त कर देते हैं, जहाँ पे जानवी के लिए एक महंगी स्पोर्ट कार और एक जो है यानी कि गैंगस्टर राजा साहब की बेटी, और आपको बतला दे वाईफाई भाई की भतीजी राजा के बहनोई के कार को नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने में पहुँच जाते हैं जहाँ पे जिसके लिए राजा साहब और उनके गुंडे उन्हें जो है प्रताड़ित करते हैं और नौकरों के रूप में अपनी जो है सेवाएँ देते हैं। एक सुझाव जिसे जो है वाईफाई भाई स्वीकार करते हैं कि वह राजा साहब को उनके ज्योतिष के साथ जो है इच्छा के विरुद्ध जो है काम पर रखने के लिए मना लेता है। इसके अलावा बता दें किशोर की खराब जो है किस्मत से अवगत हो जाते हैं, उन्हें जो है डिस्पोजेबल के नौकरों के रूप में नियोजित किया जाता है। जंकी और चंदू का उपयोग भोजन के परीक्षण के लिए किया जाता है, इसे राजा साहब और वाईफाई भाई के दुश्मनों ने जहर दिया होगा, जबकि जो है राजा यात्रा के दौरान उनके जो है प्रलोभ के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रक्रिया में चंदू और जानवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अपने एक यात्रा कार्यक्रम के दौरान पुराने दुश्मनी और तुली और बुली के साथ जो है सेठ उनके काफिले पर हमला कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि वाईफाई भाई एक कायर इंसान है। अपनी निरंतर के साथ जो है प्रतिद्वंदिता से तंग आकर वो व्यवसाय से डॉन के साथ जो है बने नीरज मोदी, जो भरी कर्ज लेकर वहां भारत से फरार हो जाने पर प्रत्येक पार्टी को निवेश करने के लिए 700 करोड़ की पेशकश करके अपने जो है संघर्ष को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया। अपने खराब जो है भाग्य के निरंतर पर प्रहार से राज जो है जंकी और चंदू आग का जो है कारण बनते हैं, जो पैसे के पूरे ढेर को जला देता है। अपने पैसे को बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई भाई तीनों को उनके भाग्यशाली घोड़े पर दाव लगाने के लिए भेजते हैं, और इसके बजाय वह दूसरे घोड़े के बारे में बातचीत सुनते हैं और उस पर जो है दाव लगा लेते हैं, जो इसके बजाय जो है यानी कि दौर हार जाते हैं, जहां पे राजा साहब और वाईफाई भाई को भुगतान करने में असमर्थ तीनों जो है जानवी और संजना और उनके चाचा के साथ भाग जाते हैं, जहां पे समूह एक जो है गोंदर ट्रक पर समाप्त हो जाता है, जहां पे जानवी के होंठ चंदू के गालों से चिपक जाते हैं और संजना और उसके प्यार के बारे में सभी को पता चल जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना।
तो इसके आगे दोस्तों क्या हुआ, चलिए अब हम बात करते हैं। खराब किस्मत जो है जंकी और चंदू एक आग का कारण जो है बनते हैं, जो पैसे के पूरे ढेर को जला देते हैं। अपने पैसे को बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई भाई तीनों को उनके भाग्यशील के साथ जो है भाग्यशाली घोड़े पर दाव लगाने के लिए कहते हैं। यहाँ पे भाग्यशाली घोड़ा था उनका, इसके बजाय वो दूसरे घोड़े पर दाव लगा लेते हैं जिसके वजह से वो दाव हार जाते हैं। इसके बाद राजा साहब और वाईफाई भाई को भुगतान करने में असमर्थ तीनों के साथ जो है जानवी और संजना और उनके चाचा के साथ भाग निकलते हैं। समूह एक गोन ट्रक पर समाप्त होता है जहाँ पे जानवी के होंठ चंदू के गाल से चिपक जाते हैं और संजना और उसके चाचा उनकी पीठ पर चिपक जाते हैं। एक के साथ जो है प्रत्यक्ष घर में पहुंच जाते हैं जहां पे वह काव्या से मिलते हैं और वहां पे रहकर अपने जो है अभिनय करियर में अस्वीकार का सामना करने के बाद भूत के रूप में रहते हैं। वहां पे राजा को आपको बतला दे गलती से एक जहन की तहखाना मिल जाता है जहां पे नीरज जो है नकदी का भंडार रखते हैं, जहाँ पे तीनों पैसे चुरा लेते हैं और राजा साहब और वाईफाई भाई के घर पहुँच जाते हैं। जब उन्हें नीरज द्वारा उन्हें भुगतान न करने के लिए मार डाला जाता है तो पैसे का निपटान करने और नीरज की संपत्ति खरीद लेते हैं। आखिरकार नीरज को पता चलता है कि तीनों ने उसकी संपत्ति खरीदने के लिए खुद को पैसे चुराकर उस पर जो है उपवास किया था। वह राजा साहब के घर पहुंच जाते हैं और उन सभी को जान से मारने की धमकी देते हैं। राजा उसे याद दिलाते हैं कि उसका पैसा उसका नहीं है बल्कि भारत से चुराया गया है और राजा खुद को उनके बैंकों में से एक का पूर्व जो है कर्मचारी है जिससे नीरज ने कर्ज लिया था और इस तरह की नीरज के कारण जो है नौकरी गंवाने वाले कई लोग जो है शामिल थे और वहाँ पे नीरज के गुर्गों को पैसे अपने पास जो है रखने के लिए उकसाते हैं और तीन भागे हुए शेरों को शामिल करते हुए एक जुहैन के झोपड़े में चले जाते। एक जो है झोपड़पट्टी होती है जहाँ पे नीरज को हिरासत में लेने के लिए आने वाले जासूसों के साथ जो है समाप्त हो जाती है। राज, जंकी और चंदू राजा साहब और वाईफाई भाई के साथ अपने जो है मतभेदों को सुलझा लेते हैं और सदा खुशी रहते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी समाप्त हो जाती है। बता दें दोस्तों, पागलपंती मूवी की घोषणा 21 सितंबर 2018 को की गई थी। अप्रैल 2019 में बजमी ने लंदन में शूटिंग के अपने अनुभव को साझा किया था। एक बयान में उन्होंने कहा था कि लंदन में शूटिंग किसी रूलर के साथ को स्टार राइड से कम नहीं थी, जहां पे वहां मौसम को देखते हुए फिल्म की सीक्वल को थोड़ा सा शूट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। यहां फ्रेंड्स आपने सही सुना। बता दें दोस्तों, वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पागलपंती फिल्म को जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। ये फिल्म 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, एलियाना डिक्रिज एंड अरशद वारसी और उनके साथ कई सारे स्टार कास्ट इस फिल्म में शामिल थे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई और ये मूवी नाटकीय रूप से भारत में 22 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। इसे आलोचकों से आमतौर पर प्रतिक्रिया समीक्षाएं मिली जिन्होंने मुख्य रूप से लेखन की आलोचना की थी। पागलपंती की मूवी की घोषणा 21 सितंबर 2018 को की गई थी। अप्रैल 2019 में बजमी ने लंदन में शूटिंग के अपने अनुभव को साझा किया था और एक बयान में उन्होंने कहा था कि लंदन में शूटिंग किसी रोलर या फिर कोई स्टार साइड के साथ नहीं की जाएगी और इसके अलावा आपको बता दें प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 के लंदन में शुरू हुई थी। दोस्तों, लंदन में शूटिंग शुरू किया गया था 2019 के अंतिम हफ्ता में समाप्त हो गया था, जिसमें प्रमुख फोटोग्राफी समाप्त हो गई थी। जॉन अब्राहम मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस के सीन समाप्त करते समय उनको थोड़ा सा चोट लग गया था। सीन थोड़ा सा मुश्किल था जिसके वजह से जॉन अब्राहम घायल हो गए थे। प्रोडक्शन ने फेवरेशन में फिल्माए दृश्यों के साथ जहां पे मार्केट स्ट्रीट के साथ जो है वेस्टर्न लंदन बाजार के रूप में दो गुना हो गया था और गिल्ड हॉल को जो है कि अतिशक्ति के साथ जो है दुकान में बदल दिया गया था, जहां पे ऐतिहासिक और आपको बता डार्क के साथ जो चौथम का उपयोग भी किया गया था। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पागलपंती फिल्म के बारे में। तो ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, पागलपंती फिल्म में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था फिल्म को अंत तक जो है 9 फरवरी 2018 को भारत और रूस में नाटकीय रूप से रिलीज कर दिया गया था। इसी प्रकार रूसी बॉक्स ऑफिस पे इसकी मूल जोहन की तिथि पर प्रीमियर करने वाली पहली हिंदी मूवी बन गई थी। इसी के साथ आपको बता दें, रिलीज होने पर यह मूवी एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता फिल्म थी। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म ने दुनिया भर में 207.73 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट करते तो 26 मिलियन की कमाई के साथ अच्छा प्रदर्शन किया था। इसने अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसी तरह दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म के संपादन एक व्यक्त चित्र मूवी
भी बनाना चाहते थे और एक व्यावसायिक फिल्म बनाना चाहते थे ताकि लोग इसे देख सके और ये एक ऐसी फिल्म है जिसमे जो है आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की कहानी सैनिटरी पैड के बारे में बतलाती है। ये मूवी एक सार्वभौमिक विषय है जहाँ पे किसी ने कभी इस विषय को कुछ यानी कि करने की कोशिश नहीं की थी। दोस्तों मूवी रिलीज होने के बाद अक्षय कुमार ने यह कहा था कि ये फिल्म तमिलनाडु के एक सामाजिक कार्यकर्ता एन अरुण चलन के ऊपर बनाई गई है जो कि इस फिल्म के लिए एन मुर्गा नाथ के जीवन पर आधारित है जिन्होंने कम लागत वाले सैनिटरी एन आपको बतला दें नैपिक जो है मशीन बनाकर ग्रामीण भारत में मासिक के साथ धर्म एन आपको बतला स्वस्थता की अवधारणा में क्रांति ला दी थी। इसी के साथ पैडमैन मूवी को व्यावसायिक जो है पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किए बिना एक जागरूकता फिल्म के रूप में देखा गया था जो फिल्म के निर्माताओं का मुख्य एजेंडा जागरूकता पैदा करने और आपको बता दें सैनिटरी पैड के आसपास के भारत में प्रचलित जो है करने के और आपको बता दें अंधविश्वास को मिटाने के लिए व्यापक जो है प्रदर्शनों के साथ पहुंचना था क्योंकि फिल्म के अभिनेता अक्षय कुमार की पिछली फिल्म जो है टॉयलेट एक प्रेम कथा की तरह जो है उन्होंने आपको बता दें महिलाओं और पुरुषों दोनों को मानसिक धर्म के साथ जो है इनकी स्वस्थता के बारे में शिक्षित करने और इसे जो है समाज में कलंक या फिर जो है वर्जित के रूप में लेबल करने से रोकने की उम्मीद की गई थी। इसके अलावा ये मूवी जो है राजनेताओं से सैनिटरी पैड की ओर जो है अपना ध्यान आकर्षित करने और संस्थानों में इसे जो है यानी कि अनिवार्य बनाने की अपील की थी। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अक्षय कुमार की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है पैडमैन। तो दोस्तों अगर आप लोग पैडमैन फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पैडमैन मूवी को। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बता दें दोस्तों मूवी रिलीज होने के बाद मुरकन के जीवन को अनुकूल करने का विचार 2015 में शुरू हुआ जब ट्विंकल खन्ना को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलेज के रूप में एक जो है कोलम के रूप में एक सेस करते हुए उनकी कहानी का पता चला था। उन्होंने इस कहानी को बहुत ही सीरियस से लिया और दृढ़ता और संकल्प से प्रेरित करने के लिए मूवी को बनाना चाहती थी। उन्होंने अपनी पुस्तक द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद के ऊपर 2016 में उनके बारे में लिखा था जहाँ पे साथ ही उनके जीवन के एक स्क्रीन संस्करण की योजना बनाई गई थी ताकि अधिक दर्शकों तक पहुंचने के लिए हमारी दुनिया दर्शकों से भरी हुई है और फिल्म की पटकथा से नहीं थी। खन्ना जो फिल्म पर सह निर्माता के रूप में भी काम करती है उन्होंने कहा था मानसिक धर्म और मुर्गा नाथम के दृढ़ संकल्प के बारे में प्रशंसित के साथ अभी तक जो है कि आंका गया था जो फिल्म के विषय के कारण वह इस यानी इस परियोजना के लिए आकर्षित हुई थी और उसने कहा था फिल्म के निर्माता इस विषय के साथ जो है रचनात्मक स्वतंत्रता ले रहे थे जैसा कि आपको बता दें उसने अपनी पुस्तक में किया था ताकि इसे जो है मनोरंजन बनाया जा सके। दोस्तों पैडमैन फिल्म की कहानी लिखने और निर्देशित करने के लिए आर बल्कि खन्ना की पहली पसंद थे। उन्होंने पहले बल्कि के काम को देखा था और फिल्म निर्माण में उनके जो है संवादशीलता को सराहना की थी जो नवम्बर 2017 में सोनी पिक्चर फिल्म के लिए बेसिक वितरण बन गई थी। इसी के साथ अक्षय कुमार ने अरुणाचलम के साथ मुर्गानाथम पर आधारित लक्ष्मीकांत के साथ चौहान की भूमिका निभाई है जिसे इंडियन जो है मेस टू ऑल मैन के रूप में भी जाना जाता है। इस भूमिका के लिए कुमार पहले जो है पसंदीदा नहीं थे बल्कि खन्ना चाहती थी कि अक्षय कुमार जो मुख्य भूमिका निभाए फिल्म के अंदर और क्योंकि उन्हें लगा कि यह यानी खेल बदलने वाली घटना होगी यदि अक्षय कुमार जिसे जो है भारतीय जनता और आपको बता दें मूर्ति यानी कि मूर्ति पूजा करते हैं तो प्रूफ जो है कि सैंडी पैड पहन सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभिनेता अक्षय कुमार की करियर के सबसे बड़ी मूवी के बारे में जिसका नाम है पैडमैन। दोस्तों पैडमैन फिल्म को 2018 में रिलीज किया गया था लेकिन ये मूवी अभी भी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब पर आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। इसी के साथ आपको बता दें प्री प्रोडक्शन मार्च 2017 में शुरू हुआ और प्रमुख फोटोग्राफी 14 मार्च को शुरू हुई। फिल्मांकन अप्रैल में दिल्ली चला गया था जहाँ पे मुर्गा नाथम ने भारत में सेट पर आर बल्कि कुमार के साथ और खन्ना के साथ मिलकर काम किया था ये सुनिश्चित करते हुए कि जिस तरह से उन्होंने अपनी जो है मशीन का निर्माण किया है उसे कैसे संचालित किया जाए यहाँ तक कि उनके अपने जो है आसपास के लोगों से वर्णन भी स्टिक किए गए थे।
अब इस फिल्म का अधिकांश भाग जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पे महेश्वर के छोटे से शहर में शूट किया गया था, जो भारत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क शहर की यात्रा की थी, जहाँ पे महत्वपूर्ण दृश्यों को ब्रुकलिन किए गए थे, जहाँ पे ब्रिज पर टाइम्स यानी कि उसके साथ स्क्वायरल में और लिंकन सेंटर के जेज में किए गए थे। और साथ ही आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फिल्मांकन जहाँ पे फिल्माया गया था। ये मूवी हाफ गर्लफ्रेंड मूवी के बाद जो साइट पर शूट होने वाली ये दूसरी बॉलीवुड फिल्म है हॉलीवुड यानी कि फिल्म द और आपको पता है इंटरप्रेंस पे जहाँ पे ये मूवी शूट की जाने वाली पहली मूवी बन गई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को शुरू में 23 नवंबर 2017 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में 26 जनवरी को स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि 19 जनवरी को ये घोषणा की गई थी कि संजय लीला भंसाली की पद्मावत मूवी के साथ टकराव से बचाने के लिए फिल्म को 9 फरवरी 2018 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उसी दिन रिलीज होने वाली अय्यारी मूवी के साथ जो है यानी कि संभावित जो है बॉक्स ऑफिस पे टकराव के बारे में अभिनेता अक्षय कुमार ने तनाव की निंदा किए थे। निंदा करते हुए कहा था कि ये मूवी संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों ही फिल्मों में अलग अलग जो है विषय और अलग अलग कहानी रखी गई है। पैडमैन मूवी दुनिया भर में 3,350 स्क्रीन पे रिलीज होने वाली मूवी थी, जो भारत में 2,750 स्क्रीन, विदेशों में 600 स्क्रीन पे रिलीज हुई थी। एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित जो फिल्म होने के नाते निर्माता विभिन्न यानी कि मंत्रालय और आपको बताया सरकार की सहायता से छोटे शहरों और शहरों को विभिन्न स्कूलों में फिल्म दिखाने की योजना बना रहे थे। जो चीन में ये मूवी 14 दिसंबर 2018 को चीनी शीर्षक के साथ रिलीज हुए थे, जो युद्ध यानी कि हेनू रेन के साथ मूवी को जारी किया गया था। इसका अनुवाद भारतीय साथी के रूप में होता है। ये फिल्म जो है जापान में सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट जापान द्वारा 7 दिसंबर 2018 को जापानी शीर्षक में रिलीज किए गए थे। इसी के साथ जारी किया गया था, जो पडो मैन मूवी के नाम से जापान में रिलीज किए थे पैप ओकुरिने जैसे यानी कि आपको बता सुगुट्टा और टोको के साथ, जिसका जो है अनुवाद पैडमैन एक आदमी जिसने 500 मिलियन महिलाओं को बचायन यानी कि बचाए के रूप में इस मूवी को बनाई गई है। दोस्तों पैडमैन मूवी की कहानी अच्छी कहानी है, क्योंकि अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो आपका टाइम आसानी से कट जाता है, क्योंकि मूवी के अंदर जो कहानी बतलाई गई है वो वाकई में फिल्म की कहानी जो है काबिल तारीफ है, क्योंकि मूवी के अंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलते हैं। आप फिल्म तो देखते ही हैं लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, तो दो फायदे फिल्म को देखने के। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले इस मूवी के ट्रेलर के बारे में, तो फिल्म के ट्रेलर 15 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था। इसके तुरंत बाद में मूवी के ट्रेलर जो है ट्विटर पर हैशटैग लगा के जो है रिलीज किए गए थे, जहाँ पे मूवी के ट्रेलर के साथ जो है यानी कि करने वाले लगातार कुमार को लापरवाही से सैनिटरी और आपको पता है नैपिक जो है पहनने और उन्हें अपने जो है बहन को सौंपते हुए दिखाने वाले दृश्य एक जो है ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए थे, जो 25 दिसंबर को एक दूसरा पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार को अपने हाथ में कपास पकड़े हुए दिखाया गया था, जिसके चारों ओर फाइटर जो है कि जीनियस इनोवेशन के साथ जो है कि आपको बता दे अनी यानी कि अनरियल मैन जो कि सेम के साथ जो है कि रियल एंड आपको बता दें प्रॉब्लम एंड पैशन के साथ जो दिखाए गए हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अद्वितीय पोस्टर कहा था। इसी के साथ दोस्तों पैडमैन फिल्म को कुवैत में प्रदर्शित नहीं किया गया था और पाकिस्तान में प्रतिबंधित विषय के कारण जो है इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। केंद्रीय फिल्म फेयर सेंसर बोर्ड यानी पाकिस्तान ने फिल्म को अनापत्ति यानी कि प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया और कहा हम ऐसी फिल्म की अनुमति नहीं दे सकते। इसका नाम विषय और कहानी हमारे समाज में अभी तक जो है कि स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म वितरकों को IMGC और आपको बता दें HKC को फिल्म के अधिकार खरीदने की अनुमति नहीं दी और कहा कि वह इस्लामी परंपराओं और इतिहास और संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। स्थानीय सिनेमा घरों से फिल्म के पोस्टर भी हटा दिए गए थे। कुछ पाकिस्तानी महिलाओं ने सेंसर बोर्ड को सैनिटरी पैड यानी कि पकड़े हुए अपनी तस्वीरें भेज कर इन यानी कि फैसलों का विरोध भी किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पर ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई थी। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं पैडमैन मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों मूवी रिलीज होने के बाद पहले दिन शुरुआत में 10.26 करोड़ से अधिक की कमाई किया था, जो इन पैसों को अगर आप यूएसए में कन्वर्ट कर दोगे तो 1.3 मिलियन कमाए थे। अच्छे शब्दों से उत्साहित होकर फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते और तीसरे दिन क्रमशः 16.1 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 2.0 मिलियन, और इसी तरह फिल्म ने 16.11 करोड़ से अधिक की कमाई किया। फिर बाद में भी
1 मिलियन की कमाई की और कुल मिलाकर इसने अपने शुरुआती हफ्ता में 40.5 करोड़ से आधे की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 5 मिलियन से आधे की कमाई किया था। इसी तरह दोस्तों भारत के बाहर फिल्म ने 5 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी घरेलू शुरुआत के साथ साथ जो शुरुआत की थी, जिसने दुनिया भर में 8.9 मिलियन की शुरुआत के लिए अनुमान जो है 1 मिलियन की कमाई इस फिल्म ने किया था। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। दोस्तों अमेरिका में पैडमैन मूवी रिलीज होने के बाद इस फिल्म को 152 स्क्रीन से प्रदर्शित किए गए थे, जो 50,000 की कमाई की थी, जो अगर आप यूएसए में कन्वर्ट कर देते हो तो 7,60,000 की कमाई की थी। और इसी तरह सोनी ने नोट किया था कि फिल्म अक्षय कुमार के शौचालय एक प्रेम कथा के बाद जो उद्घाटन के ऊपर शुरू हुई, जिसने 176 स्क्रीनों से यूएसए 6,78,000 प्रति थिएटर यानी कि औसत जो यूएसए में कमाई इस फिल्म ने किया था। चीन में जहां पैडमैन मूवी 14 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी, फिल्म ने अपने शुरुआती हफ्ता में 5.2 मिलियन की कमाई की थी। हॉलीवुड फिल्म जो है कि एक्वामैन और जापानी एनिमी फिल्म इसी के साथ रिलीज हुई थी। माय नेबर जो है कि टोटोरो के नीचे 3रे नंबर पर बॉक्स ऑफिस पर चार्ट में प्रवेश किया था फिल्म ने, जो 30 दिसंबर 2018 को पैडमैन मूवी ने चीन में 10.1 मिलियन से अधिक की कमाई इस फिल्म ने कर लिया था। इसी तरह दोस्तों पैडमैन मूवी जापान में प्रवेश किया था, न कि भारतीय फिल्मों के लिए एक पारंपरिक बाजार, जहां इसने 48 मिलियन की कमाई की थी। अभिनेता अक्षय कुमार की पत्नी और फिल्म के निर्माता ट्विंकल खन्ना की ओर से 66वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में फिल्म के लिए सामाजिक जो है मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार स्वीकार करते हुए दिखाए गए हैं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर फिल्म को 18 समीक्षकों के आधार 78 की स्वीकृति रेटिंग दिए गए थे। और इन पैसे की और इन मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म को 10.6/1 की औसत से रेटिंग दिए गए हैं। एनडीटीवी के राजा सेन ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग दिए और कहा है पैडमैन मूवी जिसमें एक आधारन सच्ची कहानी लिखी गई है, मूवी एक मजबूत फिल्म है और जिसे देखने की जरूरत है। इसी के साथ हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म का मूल्यांकन किया, इन्होंने इस फिल्म को 3.5 स्टार की रेटिंग दिए और इन्होंने लिखा है पैडमैन मूवी धीमी गति से शुरू होता है और गति लेने से पहले ये मूवी के समय खत्म हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों पैडमैन मूवी के सहायक कलाकारों के पात्र जो है यानी कि ओवर एक्टिंग की दौड़ में प्रतीत होती है। फिल्म कैंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा मध्य मार्ग तक जो है पैडमैन मूवी के पास शक्ति और भावनाएं रखे गए हैं। कुछ दृश्य एक जो है कि श्रम साध सार्वजनिक सेवा घोषणा की तरह लगते हैं। इसी के साथ मेलोड्रामा स्थानों में तीखा हो जाती है, लेकिन बड़े पैमाने पर बल्कि और उनके सह लेखक के साथ जो है कि शवानदा किरकिरे कहानी को आगे बढ़ाते रहते हैं। हास्य के बारे में हम बात कर ले तो उपयोग जो है चतुराई से किया गया है। न्यूज 18 के राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा है बल्कि यानी कि शवानंदा एंड किरकिरा का लेख शुरू होने के साथ तेज और सामाजिक जो है लेकिन जल्दी से भरी हुई मूवी को दिखलाई गई है। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। दोस्तों इस वीडियो में हम पैडमैन मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में कि फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों पैडमैन फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मी चौहान अक्षय कुमार इस फिल्म में गायत्री राधिका आप्टे की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और उसके आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। जब जो है गायत्री को सामाजिक धर्म के दौरान यानी कि अस्थायी रूप से घर से निकलने दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी की कमी के कारण जो है अनजान यानी कि पकड़ी जाती है। तो गायत्री को महावारी के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देख चिंतित हो गया, क्योंकि गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री विषय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निडर होकर लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीद देती है जो काफी महंगे होते हैं। गायत्री उसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि इतने महंगे यानी कि नैपिक का उपयोग करने का मतलब यानी कि द्रोट के खर्च है, यानी कि ये खर्च बेकार है। उसके बाद जो है कटौती करना चाहती है और इसी तरह केस्ट यानी कि फौलन लक्ष्मी काम पर जाती है तो जहां एक यानी कि कार्यकर्ता घायल हो जाता है और वह चोट पर तुरंत यानी कि एक पैड यानी कि लगा लेता है।
जबकि अन्य लोग इसे जो है कि अशुद्ध कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की तौरीज सोच की जो है सराहना करते हैं और कहती है कि यानी कि रक्त श्रवण को रोकने के लिए ये सबसे यानी कि साफ विकल्प है। उत्साहित होकर लक्ष्मी जो है कुछ यानी कि कपास कपड़ा और गोद के साथ जो है कि खरीद लेती है और एक जो है स्थायी पैड बनाते हैं जो उसे लगता है कि महंगे के लिए एक बेहतर यानी कि प्रतिष्ठान हो सकते हैं। इसी के साथ गायत्री इसका उपयोग करती है लेकिन पैड अपने यानी कि कार्य में विफल रहता है और लक्ष्मी से कहती है कि वह महिलाओं के मामलों में फिर से यानी कि हस्तक्षेप न करे। इसके बाद दोस्तों लक्ष्मी फिर से एक पैड बनाने की कोशिश करती है और इसे एक महिला जो यानी कि मेडिकल छात्र को देखते हैं और देती है तो उसकी मदद करने का फैसला करता है लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोक दिया और अपने यानी कि संकट को जोड़ने के लिए छात्र के साथ उसकी मुलाकात से उसकी पत्नी को लगता है कि उसका अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को पैड देने की कोशिश करती है जिससे उसे जो है ससुराल वाले के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है। इसके बाद जो है बकरी के खून से भरा एक गुब्बारा जो है लगाकर खुद पर जो है कोशिश करते हैं और जिससे जो यानी कि उसे सार्वजनिक रूप से अपनी पतलून पर खून बहने लग जाता है। इसके बाद आपको बतला जिसके परिणाम स्वरूप उसे जो है अपमानित होना पड़ जाता है। ये यानी कि अधिनियम उसे पूरे गांव यानी कि धारा ढीले और नैतिकता वाले व्यक्ति के रूप में ब्रांडेड करने का कारण बन जाता है। गायत्री के भाई उसे ले जाता है वहाँ से और लक्ष्मी ने जाने का फैसला किया और आपको बतला दे मासिक धर्म के आसपास की यानी कि वर्जनाओं से लड़ने का उन्होंने वचन भी दिया था। दोस्तों पैडमैन फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से आपस में बतलाई गई है। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पैडमैन फिल्म को और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद ये जानने के बाद कि सैनिटरी पैड कपास के बजाय जो है अधिक यानी कि सेसक एंड आपको बतला दे सेल्यूलोज सूत के साथ फाइबर का उपयोग करते हैं तो लक्ष्मी जो है सैनिटरी और आपको बतला दे नैपकिन में प्रयोग जो है सामग्री के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कॉलेज के साथ जाती है जिसे और यानी कि आश्चर्य की जरूरत में पड़ जाते हैं। एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करते जहाँ पे प्रोफेसर का बेटा उसे इंटरनेट से परिचित कराता है और जानकारी हासिल करने में उसकी मदद कराता है। दोस्तों इसके अलावा प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से चिंतित हो जाता है और उन्हें उनके विचारों को पत्री से उतारने के लिए लाखों की पैड बनाने वाली मशीनों के वीडियो दिखाते हैं। इसका विपरीत जो है प्रभाव पड़ जाते हैं। लक्ष्मी इससे प्रेरित होकर अपनी पैड बनाने की मशीन बनाती है। वह पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैड मैन बनाने का यानी कि एक पैड बनाने का प्रबंध करती है लेकिन उसे जो है परखने वाला कोई नहीं होता है। वह परी यानी कि वालिया एक विशेष उपस्थिति में सोनम कपूर से मिलती है जो शहर की एक आधुनिक जो शिक्षित महिला है और उसे एक पैड की आपूर्ति करते हैं। आपको बताया जब वह यानी कि फीडबैक मांगती है तो वह कहती है कि ये एक यानी कि सामान्य पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है और गायत्री को यानी कि खबर देने के लिए बुलाती है जहाँ पे मासिक धर्म के प्रति जो है उसके जुनून से गायत्री परेशान हो जाती है और उसका भाई भी उसे दूर रहने की चेतावनी देता है। इसके बाद परी लक्ष्मी की क्षमता को देखती है और उसे दिल्ली में एक जो है नवाचार मेले में ले जाते हैं जहाँ पे आमंत्रित करती है लक्ष्मी के आविष्कार को लाइफ यानी कि चेंजिंग इवेंट्स के साथ ऑफ द ईयर के रूप में पहचाना जाता है और आपको बतला दें प्रसिद्धि के लिए गोली मारते हैं लेकिन ग्रामीणों ने उसके यानी कि आविष्कार की प्रकृति को महसूस करके बहुत ज़्यादा यानी कि नाम कमा लिया। दोस्तों लक्ष्मी की प्रकृति को महसूस करके उसका अपमान किया और परी एक निराश लक्ष्मी को अपने पेड़ ग्रामीण महिलाओं को बेचने में मदद करती है। बाद में उसके उद्यम में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और परी एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करती हैं। आपको बता दें कम लागत वाले पेड़ मैन बनाने वाली मशीनें बनाते हैं जहाँ पे छोटे पेड़ बनाने की और आपको बता दें फैक्ट्रियाँ बनाती है और ग्रामीण महिलाओं को बिक्री के लिए नौकरी और आपको बता दें पेड़ जो है दोनों उपलब्ध कराती है और उन्हें जो है न्यूयॉर्क में आमंत्रित किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हैं जहाँ पे वापस उन्हें यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और परी को उससे प्यार हो जाता है जिससे लक्ष्मी में विवाद हो गया था और क्योंकि उसके मन में भी उसके लिए भावनाएँ होती है हालाँकि वह उसकी खुशी के लिए पीछे हट जाती है। लक्ष्मी ने उसे बताया कि उसने उसे एक नया आदमी बनाने में मदद की थी और लक्ष्मी अपने गाँव के एक जो है
के स्वागत के लिए लौटती है फिल्म लक्ष्मी और गायत्री के पुनर्मिलन के साथ जो है समाप्त होती है और लक्ष्मी ने अपने जो है प्रयासों के साथ जो है निरंतर सफलता पाई और ये मूवी भी हिट रही थी। तो दोस्तों पैडमैन फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से बनाई गई है। तो दोस्तों अगर आप पैडमैन फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पैडमैन फिल्म को, जिसे आप अभी यूट्यूब पर नहीं देख सकते। तो दोस्तों ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको राधिका आप्टे के बारे में हम बतला देते हैं। दोस्तों राधिका आप्टे ने अब तक जो है कई सारे फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। दोस्तों इनके बारे में हम बतलाएंगे, उसके बाद इनके रियल लाइफ के बारे में भी इस वीडियो में हम बतलाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले राधिका आप्टे की पहली मुख्य भूमिका वाली मूवी साल 2009 की बंगाली सामाजिक नाटक मूवी थी, अंतहीन मूवी में थी। उन्होंने साल 2015 की बॉलीवुड प्रस्तुतियों में से 3 में सहायक भूमिका के रूप में अपने काम के लिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। बदलापुर फिल्म में काम किया, कॉमेडी हंटर फिल्म में काम किया और ड्यूनी फिल्म जो है मांझी द माउंटेन फिल्म में काम किया। उसके बाद 2016 की स्वतंत्रा फिल्मों में फोबिया और आपको बतला दें परचार्ट में उनकी प्रमुख भूमिकाओं ने उन्हें और प्रशंसा दिलाई थी। जो साल 2018 में आप्टे ने नेटफ्लिक्स की 3 जो है प्रस्तुतियों में अभिनय किया। एंथोलॉजी फिल्म लास्ट स्टोरीज में इन्होंने काम किया, थ्रिलर मूवी जो है सीरीज सीक्रेट गेम में इन्होंने काम किया और हॉरर फिल्म जो है मिनी सीरीज घोल में काम किया और इनमें से पहले में उनके काम के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। स्वतंत्रता फिल्मों में अपने काम के अलावा आप्टे ने अधिक जो है यानी कि मुख्य धारा की फिल्मों में काम किया है, जिसमें तमिल एक्शन फिल्म काबली शामिल है। आपको बतला दें साल 2016 में हिंदी जीवनी फिल्म पैडमैन फिल्म अक्षय कुमार के साथ इन्होंने काम किया। जो साल 2018 में शेयर बाजार बाजारों के बारे में हिंदी ड्रामा एक थ्रिलर फिल्म थी और ये मूवी काफी ज्यादा हिट रहे थे। इसी तरह दोस्तों राधिका आप्टे ने कॉमेडी अंधाधुन फिल्म 2018 में काम किया, जो सभी जो है व्यावसायिक रूप से सफल रहे थे। साल 2021 में उन्होंने भारत की पहली साइंस जो है फिक्शन कॉमेडी सीरीज में काम किया था, ओके कंप्यूटर में अभिनय किया था, जहाँ पे उन्होंने आईएएस के साथ जो है वैज्ञानिक लक्ष्मी सूरी की भूमिका फिल्म का भाई। उन्होंने साल 2012 से लंदन के संगीतकार जॉन की ब्लेडिस के टेलर से शादी की है। आप्टे ने गुलशन दवैया और शहना यानी कि शहना और आपको बता दें गोस्वामी अभिनीत के साथ जॉन की स्लीप वर्क के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जहां पे स्लीप वर्क पर इनको जो है काफी ज्यादा सराहना किए गए थे। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राधिका आप्टे मैम के बारे में। आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पैडमैन फिल्म को। इसके अलावा दोस्तों राधिका आप्टे पहली बार हिंदी फिल्म वहां में एक छोटी भूमिका के साथ दिखाई दी थी। लाइफ हो तो ऐसी फिल्म 2005 में कॉलेज में रहते हुए उन्होंने सिर्फ जो है मनोरंजन मूवी के लिए एक जो है प्रोजेक्ट किया था अभिनेता राहुल बोस के साथ, जिन्होंने आप्टे को आपको बतला दे अनाहिता जो है यानी कि ओबराय के नाटक बॉम्बे ब्लैक में अभिनय करते हुए इनको देखा गया था। अभिनेत्री निर्देशक जो है यानी कि अनुरोध रोवे के साथ जो चौधरी को अपना नाम जो है सुझाव दिया गया था, जिन्होंने उन्हें जो है अपर्ण सेन के साथ शर्मिला टैगोर के साथ और राहुल बोस के साथ अपने जो है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता का घोषित किए गए थे। बंगाली फिल्म जो है अंतहीन में इनको कास्ट किया गया था। उन्होंने अंतहीन फिल्म में एक टीवी पत्रकार जो है यानी कि वृद्धा रोय मिलन की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। इसके अलावा फिल्म के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लेखन जो है यानी कि रद्दीमा सीन ने आप्टे को एक यानी कि रहस्य गार्डन कहा था। आगे कहा था कि हजारों शब्द बोलने वाली आंखों के साथ काम के लिए उसका जुनून और उसके दिल का जो यानी कि अकेल्पा किए गए थे। जब वो हर यानी कि रात उसी विशेष यानी कि अजनबी के साथ जो यानी कि चैट करने का इंतजार करती है तो सही राग पर प्रहार कर दिए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों साल 2009 में आप्टे की पहली भारतीय रिलीज मूवी जो है सुमित्रा भावे के साथ और सुनील जोहानी की सुंकथन धारा जो है यानी कि केबीसी प्रोडक्शन को यानी कि घोष में लिए गए थे, जहां पे माला यानी कि असला हावी थी, जिसमें जो है वह एक गांव की लड़की की यानी कि सावित्री के रूप में दिखाई दी थी। बाद में उन्होंने भावे और यानी कि सुंकथन के साथ फिर से हिंदी और आपको बताया डॉक्यूमेंटेशन के साथ मोर देखने जंगल में काम किया था। उसी वर्ष उन्होंने आपको बता दें जनित जो है वागले की एक भारतीय मासूम फिल्म में इन्होंने काम किया था।
आकाश खुराना के लाइफ यानी कि ऑनलाइन एक जो है बीपीओ में काम करने वाले युवाओं के एक यानी कि समूह। और आपको बता दें अमोट जो है कि पालकर की भारतीय फिल्म जो है यानी कि समान पर भी काम किया था। साल 2010 में वह मनीष यानी कि प्रेम नाथ की थ्रिलर मूवी द वेंटिंग रूम में इन्होंने काम किया था और ये फिल्म भी हिट रहा था। इसी तरह दोस्तों साल 2010 में वह मनीष प्रेम नाथ की थ्रिलर मूवी वेंडिंग रूम में काम की थी और इस फिल्म में दिखाई दी थी और बाद में राम गोपाल वर्मा की रक्त मूवी चरित्र में काम किए थे और इसके सीक्वल में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दी थी। लंदन से लौटने पर आपटे को एक बड़ी ब्लॉकबस्टर प्रोडक्शन हिंदी फिल्म में एक भूमिका के लिए पेशकश की गई थी, लेकिन उनके शब्दों में इससे बाहर कर दिया गया था क्योंकि उन्हें लगा कि वह उस फिल्म में होने के लिए बिल्कुल यानी कि बहुत मोटी दिखती थी। साल 2011 में राधिका आप्टे जो है एकता कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर के तहत एंथोलॉजी फिल्म आई एम और शेर इन द सिटी में दिखाई दिए थे। उन्होंने हाँ भारत यानी कि माजा फिल्म साल 2012 में भावे इन आपको बता दें सुंकर थ्रोन की जोड़ी के साथ तीसरे बार काम किया, जो अन्ना हजारों के आंदोलन से प्रेरित जो है फिल्म थी जिसे 14 दिनों में शूट किया गया था और विभिन्न फिल्म जो है समारोह में प्रदर्शित किया गया था। उनकी दो अन्य मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। मराठी में आपको बता दें तुकाराम के साथ फिल्म में काम किया था। तो साल 2013 में उन्हें बंगाली फिल्म जो है रूप कथा नोल में देखा गया था, जो अपने चरित्र के बारे में उन्होंने कहा था मैं एक आईटी इंजीनियर सनान की भूमिका निभा रही हूं, जो 3 साल के बच्चे की अकेली माँ हूं। और आपको बता दे सनन का एक भयानक जो है अतीत था जो उसे सताता रहा है। आपने की पहली 4 मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। पोस्ट कार्ड के साथ जो है इनकी पोडलम मूवी और लेजेंड फिल्म इनके रिलीज हुए थे और बेटी जो है इनकी सेलवन के साथ क्रमशः 3 भाषाओं में बंगाली तेलुगु और तमिल में इन्होंने काम किया था। जिसके बाद उनकी एक और फिल्म जो है यानी कि लाइव भरी रिलीज हुई थी, जो आपको बता दें पेंडुलम, जिसे आपने धारा जो है जादुई और यथार्थवाद पर एक कहानी के रूप में वर्णित किया गया था, जो आपको आपको बतला दे समांतर वास्तविकताओं के साथ इस पर जो है वास्तविकताओं की एक जो है परंपरा के माध्यम से ले जाती है। वह एक युवा जो है पुरुष के साथ संबंध में एक जो है कामकाजी महिला की भूमिका निभाती है, जबकि वो बेटी और आपको बताया सिल्वन उन्होंने एक वकील की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। लीजेंड और लाइक भरी जो है व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। बाद में शुरुआती हफ्ते में बॉक्स ऑफिस जो है रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई थी। इसी के साथ दोस्तों 2015 में राधिका आप्टे ने पहले 8 महीनों में रिलीज हुई कुछ यानी कि फीचर फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए व्यापक पहचान हासिल की। वर्ष की पहली रिलीज मूवी श्रीराम राघवन की बदलापुर फिल्म में उनके छोटे सहायक भूमिका थी, जिसके लिए उन्होंने 6 दिनों तक शूटिंग की थी। फिल्म के उत्तराधिकार में केवल जो है संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित होने के बावजूद जो है उन्हें उनके जो है प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से पहचाना गया था। उनकी सराहना की गई थी। कई आलोचकों ने कहा था कि वह कलाकारों की टुकड़ी में सबसे यानी कि अलग थी। इसी के साथ फिल्म के बारे में रेडीप के राजा सेन ने विशेष रूप से लिखा है कि वह यानी कि सनसनीखेज थी इस फिल्म के अंदर और संभावित जो है फिल्म के बेहतरीन जो है क्षण में चित्रित की गई थी। एक मलयालम रिलीज के साथ जो है हराम भाषा में उनकी पहली और एक तेलुगु रिलीज हुई थी, जहाँ पे लाइन के बाद उनकी अगली हिंदी मूवी रिलीज थी। वर्षवर्धन के साथ कुलकर्णी धारा निर्देशित की गई सेक्स कॉमेडी हंटर फिल्म थी, जहाँ पे हालांकि फिल्म को मिली जुली समीक्षा मिली थी और राधिका आप्टे ने फिर से जो है अपने प्रदर्शन के बारे में प्रशंसा अर्जित की थी, जबकि मिड डे डॉट के साथ जो है इनके काम किए गए थे। और आपको बता दें सुबह शेट्टी ने उनके साथ जो है साहा ने उन्हें बिल्कुल भी यानी कि यथार्थवादी भूमिका में उत्कर्ष के रूप में वर्णित किया था फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों राधिका आप्टे को फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने लिखा है जब यानी कि आप इसमें होते हैं तो राधिका आप्टे को एक जो है पुरस्कार सौंप देते हैं, वहाँ पे वास्तव में अपने जो है आप में आती है और एक ऐसे चरित्र में जो कि यानी कि अपरंपर के साथ आश्चर्य से बाहर हो जाते हैं। बदलापुर फिल्म और आपको बता दें हंटर दोनों ने व्यावसायिक सफलता हासिल की और राधिका आप्टे की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल किए थे। उन्होंने लोकप्रियता में वृद्धि की और आपको बता दें मुख्य धारा के बॉलीवुड जो है यानी कि बड़ी देर समय प्रवेश किया था। मीडिया ने उन्हें बॉलीवुड की नवीनतम जो यानी कि सनसनी माना था। बॉलीवुड का नया गो के साथ जो इनकी गर्ल और आपको बता दें
भारतीय सिनेमा में नए जो यानी कि इस फिल्म के साथ यानी कि हाफ पोस्ट इंडिया ने लिखा है राज का आपटे यानी कि स्टारडम की ओर बढ़ रही है और चाहे इसे जो है पसंद करे या फिर ना करे। और उसके बाद जो है अगस्त के अंत में उनकी दो मूवी रिलीज हुई थी हिंदी फिल्म में, जहाँ पे केतन मेहता की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मूवी यानी कि बायोग्राफिकल फिल्म थी, जहाँ पे माजिद यानी कि माउंटेन मूवी मैन के साथ दशरथ मांझी पर आधारित मूवी थी, जिसमें जो है आपटे को मांझी की पत्नी जो है यानी कि फल्गुनी देवी और आपको बता दें कौन कितने पानी के रूप में इस फिल्म में इनको दिखलाया गया है। दोस्तों साल 2018 में राज का आपटे ने अक्षय कुमार के साथ आर बल्कि की कॉमेडी ड्रामा पैडमैन फिल्म में सह यानी कि अभिनय किया था, जो ट्विंकल खन्ना की किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की एक छोटी कहानी पर आधारित है। ये मूवी तमिलनाडु के अरुणाचलम के साथ मुर्गानाथ के जीवन से प्रेरित बतलाई गई है, जिन्होंने ग्रामीण भारत में मानसिक धर्म जो है स्वस्थता के लिए अभियान चलाया था। राधिका आपटे की भूमिका एक जो है शर्मिली गृहिणी की थी इस फिल्म के अंदर, जिसके पति अक्षय कुमार जो है यानी कि सस्ते और सैनिटरी जो है यानी कि नेपकिन का आविष्कार करते हैं। NDTV के सेवल चटर्जी ने लिखा है राधिका आपटे हमेशा की तरह एक जो है यानी कि दृश्य चोरी करने वाले अभिनेत्री के रूप में इन्होंने इस फिल्म के अंदर अभिनय किया है। इसी तरह दोस्तों फिल्म के अंदर प्रमुख योगदान देती है नायक और उसकी पत्नी के बीच जो है आदान प्रदान जो है मजबूरी में नहीं आते हैं। राधिका आपटे की आने वाली फिल्मों में 3 हिंदी भाषा की परियोजनाएं शामिल है। आपको बता दें फिल्म जो है रोहित कर्ण बात्रा की पहली फिल्म, लीना यादव की प्रचार मूवी AQS के साथ जो है भारतीय सह उत्पादन थे, और आपको बता दें बम्बेरिया के साथ एक जो है इंडो ब्रिटिश प्रोडक्शन के साथ और एक जो है तमिल परियोजना मूवी थी। इसके अलावा आपटे थिएटर से यानी कि सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और कई जो है मंचीय नाटकों का हिस्सा रही है। ज्यादातर हिंदी भाषा में वह अपने जो है गृह नगर मोहित के साथ जो है टकलकारी थिएटर में मंडली के साथ जिनके आश्चर्य जो है कलाम के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने उनके साथ जो है पूर्ण विरम के साथ मातर रात और आपको बतला दे सैमुअल के साथ जो है कि बिकेट के दर के साथ यानी टाइम्स और बिद के साथ जो है रेहान इंजीनियरिंग जैसे जो है नाटकों में अभियान किया है। उन्होंने एक व्यावसायिक हिंदी नाटक मूवी यानी कि कन्यादान और बॉम्बे जो है ब्लैक नाम में एक अंग्रेजी नाटक भी किया था, जो साल 2013 में हुआ यानी कि उन्नीपुरी के साथ शहर एक जो है नामक के साथ भारत नाटक का हिस्सा थी, जो कि उनके साथ टोस के साथ जो है कि बेक्स बिंद के साथ ऑफ टोस किए गए थे। ग्रीस कर्नाट के बिंदा के साथ जो है कालू का रूपांतरण किया गया था और उसने यह भी कहा है कि वह लंदन में एक अंग्रेजी नाटक करने की योजना बना रही है, जहां पे राधिका आपटे ने कहा है कि वह परियोजना के साथ थिएटर में काम करना पसंद करती है। इसके साथ राधिका आपटे ने कई जो है लघु फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिसमें जो है कि दरमियान जिसमें उन्होंने एक कॉलेज की लड़की एकता और आपको बता दें वंकर तुंडा के एसवाह की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई, जिससे जो है अंशिक यानी कि अभी कुंठन के रूप में 12 वर्षों की अवधि में इनको लिया गया था। उन्होंने अनुराग कश्यप की पूर्व संध्या पर फिल्म जो है कि डेड के साथ यानी कि आफ्टर एवरेंडिंग के साथ मुख्य भूमिका निभाई है, जो 2012 में YouTube पर रिलीज हुई थी। उन्होंने आपको बताया सुजय घोष की 2015 की बंगाली लघु फिल्म यानी कि अहल्या में शीर्षक वाली भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी और ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट रहा था। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पैडमैन फिल्म को। अगर आप लोग पैडमैन फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं पैडमैन फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों पैडमैन फिल्म की कहानी कैसी बनाई गई है, दोस्तों एक बार फिर से इस मूवी की कहानी को हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो से हम आपसे विदा ले लेंगे। चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं पैडमैन फिल्म की कहानी को कि फिल्म की कहानी कैसे स्टार्ट होता है। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में बताया गया है कि महिला लक्ष्मीकांत लक्ष्मी चौहान है, जो अक्षय कुमार और आपको बता दें गायत्री राधिका आपटे की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और इसी के साथ जो उसके आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेगा। जब गायत्री को मासिक धर्म के दौरान जो है स्थायी रूप से घर से निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी की कमी के कारण जो है अनजान कपड़ा दिया जाता है। गायत्री को माहवारी के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देख वह चिंतित हो गया, क्योंकि गायत्री उससे जो है कहती है कि उसे इस यानी कि स्त्री विषय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि निडर होकर लक्ष्मी अपनी जो है पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीद देता है जो काफ़ी महंगे होते हैं। गायत्री उसे वापस करने के लिए कहती है, क्योंकि इतने महंगे नैपिक का उपयोग करने का मतलब यानी कि
कि द्रुट के खर्च है जहाँ पे कटौती करना है। आपको बता दें यानी क्रेस्टोफ फुलन के साथ लक्ष्मी काम पर जाती है जहाँ पे एक कार्यकर्ता घायल हो जाता है, उसके बाद जो है चोट पर तुरंत एक पैड लगा लेता है, जबकि अन्य लोग इसे यानी अशोध कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की तौरीद के साथ सोच की सराहना करते हैं और कहते हैं कि यानी कि रक्त शाव को रोकने के लिए ये सबसे यानी कि साफ विकल्प है। और आपको बता दें उस शाहिद लक्ष्मी जो है कुछ यानी कि कपास पहन लेती है और गोंद यानी कि खरीद देती है। गोंद खरीद देती है, एक स्थाई जो है पैड बनाते हैं जो उसे लगता है कि महंगे के लिए एक बेहतर यानी कि परिस्थान हो सकता है। दोस्तों ये सब कुछ होने के बाद एक तरफ जो है गायत्री इसका उपयोग करता है, लेकिन पेट अपने कार्य में विफल रहता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह यानी कि महिलाओं के मामले में फिर से जो है इनके हस्तक्षेप न करे। लक्ष्मी फिर से जो है एक पेट बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला जो है मेडिकल छात्र को देते हैं, जहाँ पे उसकी मदद करने का फैसला करती है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे रोक दिया और अपने संकट को जोड़ने के लिए छात्र के साथ जो है उसकी मुलाकात से उसकी पत्नी को लगता है कि उसका अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी जो है बहन को पैड देने की कोशिश करता है, जिसे उसे ससुराल वाले के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है। उसके बाद वह कबीर के साथ जो है कि खून भरा हुआ एक गुब्बारा पहनता है, जहाँ पे लगाकर खुद पर जो है कोशिश करता है इसे जो है यानी कि उसे सार्वजनिक रूप से अपनी जो है कि पतलून पर खून बहने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे जो है कि अपमानित होना पड़ जाता है। ये यानी कि अधिनियम उसे जो है पूरे गाँव धारा ढीले जो है यानी कि नैतिकता वाले यानी कि व्यक्तित्व के रूप में ब्रांडेड करने का कारण बन जाता है। गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी जो है मानसिक धर्म के आसपास की वर्चनाओं से लड़ने का वचन देते हुए यहाँ पे फैसला करती है। दोस्तों इसके बाद इसके बारे में सभी को पता चल जाता है। ये जानने की बात कि सेंटीपेड जो है कपास के बजाय अधिक जो है यानी कि सिसक और आपको बता दें सेल्यूलोज फाइबर का बना हुआ है उपयोग करते हैं। लक्ष्मी जो है सैनिटरी और नैपकिन में प्रयुक्त जो है इनकी सामग्री के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कॉलेज जाते हैं, जैसे और आपको बता दें आश्रम की जरूरत में वह एक जो है प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करने लग जाता है। प्रोफेसर का बेटा उसे इंटरनेट से परिचित कराने लग जाता है और जानकारी हासिल करने में उसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की यानी कि हरकतों से चकित होकर वह उन्हें उनके विचारों को पेटी से उतारने के लिए लाखों के पैड बनाने वाले मशीनों के वीडियो दिखाते हैं। इसका विपरीत जो है प्रभाव यानी कि पड़ता है उस पर। लक्ष्मी इससे प्रेरित होकर अपने पैड बनाने की मशीन बना लेता है, वह पैसे उधार लेता है और एक अच्छा यानी कि पैड बनाने का प्रबंध करता है, लेकिन उसे परखने वाले कोई नहीं मिलते हैं तो उसे एक लड़की को देता है। दोस्तों इसके आगे क्या होता है इस वीडियो में हम बताएंगे। तो फ्रेंड अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे पैडमैन फिल्म को, इसे 2018 में रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड ये मूवी कौन से आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों पेड बनाने के बाद जो है विचारों को पटरी से उतारने के लिए लाखों की पेड बनाने वाले मशीनों की वीडियो अक्षय कुमार को दिखाए जाते हैं, इससे प्रेरित होकर अपने पेड बनाने की मशीन बना लेते हैं और एक पेड भी बना के तैयार कर लेता है। अच्छा पेड बनाने का प्रबंध करते हैं लेकिन उसे परखने वाले कोई नहीं मिलते हैं। वह परिवालीय एक विशेष यानी कि उपस्थिति में सोनम कपूर से मिलता है, जो शहर की एक आधुनिक जो है शिक्षित महिला है उसे एक पैड की आपूर्ति करता है। जब वह यानी कि फीडबैक मांगता है तो वह कहती है कि ये एक यानी कि सामान्य पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं हुआ और गायत्री को खबर देने के लिए बुलाता है। यहाँ पे मासिक धर्म के प्रति जो है उसके जुनून से गायत्री परेशान हो जाती है और उसका भाई उसे दूर रहने की चेतावनी दे देता है। परी लक्ष्मी की क्षमता को देखती है और उसे दिल्ली में एक जो है नवाचार मेले में आमंत्रित करते हैं, जहाँ पे लक्ष्मी के आविष्कार को लाइफ यानी कि चेंजिंग और आपको बता दें इनोवेशन ऑफ द ईयर के रूप में पहचाना जाता है और वह प्रसिद्ध के लिए गोली मारता है। लेकिन आपको बता दें ग्रामीणों ने उसके यानी आविष्कार की प्रकृति को महसूस करने पर उसका अपमान किया और परी एक जो है निराश लक्ष्मी को अपने पैर जो है ग्रामीण महिलाओं को बेचने में मदद करती है, जो बाद में उसके उद्यम में शामिल हो जाते हैं। लक्ष्मी और परी एक गाँव से दूसरे गाँव की यात्रा करते हैं, जहाँ पे कम यानी कि लागत वाले पैर बनाने वाले मशीन बनाते हैं और छोटे पैर बनाने की फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, जहाँ पे और ग्रामीण जो है महिलाओं को बिक्री के लिए नौकरी देता है और पैड दोनों ही यानी कि उपलब्ध कर लेता है।
उन्हें न्यूयॉर्क में आमंत्रित किए जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हैं, जहाँ पे घर जो है वापस उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। जब घर पे आते हैं तो उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और परी को उससे प्यार हो जाता है। इसे लक्ष्मी में विवाद हो जाता है क्योंकि उसके मन में भी उसके लिए भावनाएँ होती है, हालांकि वह उसकी खुशी के लिए पीछे हट जाती है। लक्ष्मी ने उसे बताया कि उसने उसे एक नया आदमी बनाने में मदद की। लक्ष्मी अपने गांव में एक जो है नायक के स्वागत के लिए लौटता है, जहां पे लक्ष्मी और गायत्री के पुनर्मिलन के साथ जो है समाप्त होती है मूवी, और लक्ष्मी ने अपने जो है प्रयासों के साथ जो है निरंतर सफलता पाई थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पैडमैन फिल्म को। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पैडमैन फिल्म की कहानी को पूरा एनालिसिस करेंगे, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बताएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और वहीं पे हम बात कर ले इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म ने 49 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और इसी के साथ इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। और दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर ले अनिल कपूर के बारे में, तो इस फिल्म में वाईफाई भाई के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, साथ ही साथ बात कर ले जॉन अब्राहम के बारे में, तो राजकिशोर के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं। इसी के साथ इलियाना डिक्रिज के बारे में हम बात कर ले तो संजना के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है, और सदवारसी फिल्म में जंगी के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं, और वासी रौटेला फिल्म में काफे के रूप में फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई है। साथ ही साथ पुलकेश सम्राट के बारे में हम बात कर ले तो चंद्र चंदू के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। कीर्ति करवंदा फिल्म में जानवी फेओ लेंस यानी कि मोना के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है। सौरभ शुक्ला फिल्म में राजा साहब के रूप में अभिनय किए हैं। इमामुल हक फिल्म में निराज मोदी के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। अन्य सहायक किरदार के बारे में हम बात कर ले तो जाकिर हुसैन फिल्म में तुली सेठ के रूप में अभिनय किए हैं। अशोक सम्राट फिल्म में बुली सेठ के रूप में अभिनय किए हैं। विजेंद्र काला फिल्म में मामा जी के रूप में अभिनय किए हैं। मुकेश तिवारी फिल्म में बाबा जानी के रूप में अभिनय किए हुए हैं। एंडोली बिंद्रा राजा साहब की वाइफ के रूप में फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई है। यहाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पागलपंती फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह बता दे दोस्तों, पागलपंती मूवी अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित की गई और पनोरमा स्टूडियो के बैनर के तले कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के साथ टी सीरीज के बैनर के तले भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित की गई थी। ये फिल्म एक 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, इलियाना डिक्रिज अभिनय किए हैं। साथ ही साथ अरशद वारसी और उर्वासी रौटेला, पुलकित सम्राट, कीर्ति खरबंदा और सौरभ शुक्ला भी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई थी। ये मूवी नाटकीय रूप से भारत में 22 नवंबर 2019 को जारी किया गया था और इसे रिलीज करने के बाद आलोचकों से आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाएं मिली है, जिन्होंने मुख्य रूप से लेखन की आलोचना की थी। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की भूखंड के बारे में हम बात कर ले तो पागलपंती मूवी की घोषणा 21 सितंबर 2018 को की गई थी। अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के अपने अनुभव को साझा किया था। मिसर ने इस फिल्म की शूटिंग की अनुभव को साझा किया था और इस मूवी के बनाने के बारे में उन्होंने कहा था कि लंदन में शूटिंग किसी के साथ जो है रोलर और कोई स्टार जो है राइड से कमी नहीं थी, और वहां के मौसम को देखते हुए हमें कुछ जो है मुश्किल पड़ गई थी फिल्म को बनाने में। इसी के साथ दोस्तों, प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो फरवरी 2019 में लंदन में शुरू हुई थी, जहां पे लंदन का कार्यक्रम 2 महीने तक चला था और अप्रैल 2019 के अंतिम तक जो है अंतिम हफ्ते में समाप्त हो गया था, जिसमें प्रमुख फोटोग्राफी समाप्त हो गई थी। जॉन अब्राहम मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस के लिए फिल्माते समय घायल हो गए थे। प्रोडक्शन ने फेवरेशन के साथ जो है फिल्माए गए दृश्य, जहां पे मार्केट स्ट्रीट के साथ जो एक व्यवस्था लंदन के साथ बाजार के रूप में 2 गुना ज़्यादा हो गया था, जहां पे गिल्ड हॉल को अतिशब्दी के साथ जो है दुकान में बदल दिया गया था, और ऐतिहासिक जो है कार्यकर्ता के साथ चौथम का उपयोग जो है इस फ्लिक के साथ 5 संग्रहालय इस कार के साथ जो है रिपोर्टिंग किए गए थे, जहाँ पे रो पेरी के साथ स्ट्रीट और एंकर घाट के साथ कार का पीछा करने के दृश्यों के लिए इस फिल्म को आगे बढ़ाया गया था। इसी के साथ बता दे दोस्तों, इस फिल्म की रिलीज से पहले एक सीक्वल की योजना बनाई गई है, जहां पे निर्माता कुमार मंगत ने कहा था कि ये एक बड़ी फ्रेंचाइजी होने जा रही है। इसके साथ बता दे दोस्तों, फिल्म की पटकथा पर काम शुरू किया गया है, जहां पे पहली बार टीजर पोस्टर 18 को जारी किया जाएगा। 18 को जारी किया गया था अक्टूबर 2019 में, उसी दिन कलाकारों की टुकड़ी के चरित्र पोस्टर भी जारी कर दिए गए थे। फिल्म की रिलीज की तारीख आगे बढ़ाई गई और 22 नवंबर 2019 को रिलीज की गई। पागलपंती को आलोचकों से आम तौर
वीडियो पर नकारात्मक समीक्षा मिली रिलीज होने के बाद। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिए और बैकग्राउंड स्कोर की सिनेमाटोग्राफी की एंड प्रोडक्शन डिजाइन और वेशभूषा की प्रशंसा की, लेकिन लेखन निर्देशन और संगीत और BF के साथ जो है इस मूवी की आलोचना की थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने एक्शन दृश्यों और छायांकन लेखन गीतों के साथ जो है नियुक्त किए हैं और नायिकाओं के चरित्र चित्रण की प्रशंसा करते हुए इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं। न्यूज 18 की प्रियंका सिन्हा झा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए हैं और अरशद वारसी और ब्रिजेट के साथ जो है कला की प्रशंसा की है, लेकिन लेखन और नायिकाओं के साथ और आपको बता दें घिनौने ने हास्य की आलोचना भी किए गए हैं। टाइम्स के साथ जो है नाव के एक समीक्षक ने इसी तरह से इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिए और प्रदर्शन को जो है चुटकुले छायांकन और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की है। आलोचकों के साथ मूवी के उद्देश्य लंबाई लेखन और आपको बता दें संपादन करना था। द मैजिक जो है PR ने फिल्म को 5 में से 4 लगाने और लेखन के साथ जो अंतराल की प्रशंसा की थी और कहा था कि जॉनी पर पैसा लगा दो एक पॉइंट जो है यानी कि हंसी दंगा के लिए पागलपन तिग्रोह में शामिल किए गए हैं। इसी तरह इस फिल्म को मीट डे की विनम्रा माथुर ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए हैं और इसे अनजाने में मजेदार पाया था। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के सुपर्णा सरकार ने इसी तरह से फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और अनिल कपूर और सौरभ शुक्ला की आपको बता दें साझेदारी की प्रशंसा करते हुए कुछ दृश्यों की आपको बता दें साझेदारी की प्रशंसा करते हुए फिल्म की मजाकिया लगा था। हालांकि फिल्म के समीक्षक ने पटकथा अच्छी कॉमेडी और इसके अलावा जो है पंच लाइन की कमी के बारे में कहा था और जबरदस्ती गाने की आलोचना की थी, क्योंकि फिल्म के बारे में Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने इसे 5 में से 1 स्टार दिए और हास्य BF के साथ जो है आलोचना की थी और फिल्म की स्क्रिप्ट को पूर्व विद्यालय के सपनों की सामग्री के रूप में लेबल किया और प्रदर्शन को स्कूली नाटक के लिए बेहतर अनुकूल पाया था। हिंदुस्तान टाइम्स से ज्योति शर्मा बावा ने हास्य लेखन और संवाद संगीत नायिका और जबरन जो है देशभक्ति की आलोचना की है फिल्म के अंदर। इसी तरह दोस्तों और अधिक जानने की कोशिश करें तो फिल्म का संगीत साजिद वाजिद यो हनी सिंह और तनिष्क बागची और नईम सबीर ने दिए हैं, जिसके बोल शबीर अहमद आरफन खान जो है और इसके साथ जो है महमूद यो हनी सिंह और दानिश साबरी ने लिखे हैं। फिल्म प्यार किया तो डरना क्या क्या गीत जो है तुम पर हम है अटके मूल रूप से हिमेश रेशमिया द्वारा रचित किए गए सुधाकर शर्मा के गीत और कुमार सानू और कविता कृष्णा मूर्ति द्वारा गाया गया था। इसे तनिष्क बागची ने फिर से बनाया था। आपको बतला दे चालबाज फिल्म का गीत बीमार दिल, जिसे मूल रूप से लक्ष्मीकांत एंड साथी प्यारेलाल धारा संगीतबद्ध किया गया था। गीत अदन के साथ जो है बख्शी धारा और मोहम्मद जो है अजीज और आपको बतला दे कविता कृष्णा मूर्ति धारा गाया गया था, जिसे जो है आपको बतला दे बागची ने फिर से बनाया था। साजिद वाजिद धारा रचित किए गए शीर्षक ट्रैक जो है पागलपंती का थीम संगीत बदमी को 2007 की फिल्म वेलकम के शीर्षक के ट्रैक से लिया गया था। इसके अलावा पागलपंती का ओपनिंग डे इसके अलावा आपको बता दें डोमेस्टिक जो है कलेक्शन 4.75 करोड़ बतलाई गई थी। दूसरे दिन फिल्म ने 6.50 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया था और तीसरे दिन फिल्म ने 8.25 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया था, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड जो है कलेक्शन 19.50 करोड़ हो गया था। 23 दिसंबर 2019 तक भारत में 39.3 करोड़ और विदेशों में फिल्म ने 9.87 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का दुनिया भर में 49.17 करोड़ से अधिक की कलेक्शन इस फिल्म के अंदर बतलाई गई है और इसी के साथ इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था, क्योंकि फिल्म को बनाने में इससे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए थे। 70 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया गया था और फिल्म ने 50 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जिसकी वजह से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों फिल्म की कहानी राज किशोर से स्टार्ट होता है, दुर्भाग्य से ग्रस्त है, जो उसके लंबे समय के दोस्त जग जंकी मोहन और चंदू का ठग है, जहाँ पे कंठ का भी अनुसरण करता है। तीनों द्वारा किए गए किसी भी उद्यम के परिणाम में नुकसान या फिर जो असफलताएं ही होती है, यहाँ तक कि उद्घाटन के दिन उनकी पातकों की दुकान भी जल जाती है। तीनों ने संजना को राज से प्यार करने और एक नया पैकेज जो है वितरण व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण दिलाने के धारा इस फिल्म के साथ जो है मूर्ख बनाया था। उनके धारा पहले भी इसी तरह मूर्ख बनाए जाने के बाद उसके चाचा ने उन्हें वाह दी थी और उनके पैसे वापस मांगे और तीनों वहां से भाग जाते हैं।
जहाँ पे अनजाने में अपनी पहली जो है डिलीवरी समाप्त कर देते हैं, जहाँ पे जानवी के लिए एक महंगी स्पोर्ट कार और एक जो है यानी कि गैंगस्टर राजा साहब की बेटी और आपको बता दें वाईफाई भाई की भतीजी राजा के बहनोई के कार को नष्ट कर देते हैं, नष्ट करने में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे जिसके लिए राजा साहब और उनके गुंडे उन्हें जो है प्रताड़ित करते हैं और नौकरों के रूप में अपनी जो है सेवाएँ देते हैं। एक सुझाव जिसे जो है वाईफाई भाई स्वीकार करते हैं कि वह राजा साहब को उनके ज्योतिष के साथ जो है इच्छा के विरुद्ध जो है काम पर रखने के लिए मना लेता है। इसके अलावा बता दें किशोर की खराब जो है किस्मत से अवगत हो जाते हैं, उन्हें जो है डिस्पोजेबल के नौकरों के रूप में नियोजित किया जाता है। जंगी और चंदो का उपयोग भोजन के परीक्षण के लिए किया जाता है, इसे राजा साहब और वाईफाई भाई के दुश्मनों ने जहर दिया होगा, जबकि जो है राजा यात्रा के दौरान उनके जो है प्रलोभ के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रक्रिया में चंदू और जानवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अपने एक यात्रा कार्यक्रम के दौरान पुराने दुश्मनी और तुली और बुली के साथ जो है सेठ उनके काफिले पर हमला कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि वाईफाई भाई एक कायर इंसान है। अपनी निरंतर के साथ जो है प्रतिद्वंदिता से तंग आकर वो व्यवसाय से डॉन के साथ जो है बने नीरज मोदी जो भरी कर्ज लेकर वहां भारत से फरार हो जाने पर प्रत्येक पार्टी को निवेश करने के लिए 700 करोड़ की पेशकश करके अपने जो है संघर्ष को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया। अपने खराब जो है भाग्य के निरंतर पर प्रहार से राज जो है जंग की और चंदू आग का जो है कारण बनते हैं, जो पैसे के पूरे ढेर को जला देता है। अपने पैसे को बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई भाई तीनों को उनके भाग्यशाली घोड़े पर दाव लगाने के लिए भेजते हैं और इसके बजाय वह दूसरे घोड़े के बारे में बातचीत सुनते हैं और उस पर जो है दाव लगा लेते हैं, जो इसके बजाय जो है यानी कि दौड़ हार जाते हैं, जहां पे राजा साहब और वाईफाई भाई को भुगतान करने में असमर्थ तीनों जो है जानवी और संजना और उनके चाचा के साथ भाग जाते हैं, जहां पे समूह एक जो है गोंदर ट्रक पर समाप्त हो जाता है, जहां पे जानवी के होंठ चंदू के गालों से चिपक जाते हैं और संजना और उसके प्यार के बारे में सभी को पता चल जाता है। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो इसके आगे दोस्तों क्या हुआ, चलिए अब हम बात करते हैं। खराब किस्मत जो है जंगी और चंदू एक आग का कारण जो है बनते हैं, जो पैसे के पूरे ढेर को जला देते हैं। अपने पैसे को बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई भाई तीनों को उनके भाग्यशील के साथ जो है भाग्यशाली घोड़े पर दाव लगाने के लिए कहते हैं। यहाँ पे भाग्यशाली घोड़ा था उनका, इसके बजाय वो दूसरे घोड़े पर दाव लगा लेते हैं, जिसके वजह से वो दाव हार जाते हैं। इसके बाद राजा साहब और वाईफाई भाई को भुगतान करने में असमर्थ तीनों के साथ जो है जानवी और संजना और उनके चाचा के साथ भाग निकलते हैं। समूह एक गोंद ट्रक पर समाप्त होता है, जहां पे जानवी के होंठ चंदू के गाल से चिपक जाते हैं और संजना और उसके चाचा उनकी पीठ पर चिपक जाते हैं। एक के साथ जो है प्रत्यक्ष घर में पहुंच जाते हैं, जहां पे वह काव्या से मिलते हैं और वहां पे रहकर अपने जो है अभिनय करियर में अस्वीकार का सामना करने के बाद भूत के रूप में रहते हैं। वहां पे राजा को आपको बतला दे गलती से एक जो है की तहखाना मिल जाता है, जहां पे नीरज जो है नकदी का भंडार रखते हैं, जहाँ पे तीनों पैसे चुरा लेते हैं और राजा साहब और वाईफाई भाई के घर पहुँच जाते हैं। जब उन्हें नीरज द्वारा उन्हें भुगतान न करने के लिए मार डाला जाता है, तो पैसे का निपटान करने और नीरज की संपत्ति खरीद लेते हैं। आखिरकार नीरज को पता चलता है कि तीनों ने उसकी संपत्ति खरीदने के लिए खुद को पैसे चुराकर उस पर जो है उपवास किया था। वह राजा साहब के घर पहुंच जाते हैं और उन सभी को जान से मारने की धमकी देते हैं। राजा उसे याद दिलाते हैं कि उसका पैसा उसका नहीं है बल्कि भारत से चुराया गया है और राजा खुद को उनके बैंकों में से एक का पूर्वज जो है कर्मचारी है, इससे नीरज ने कर्ज लिया था और इस तरह की नीरज के कारण जो है नौकरी गंवाने वाले कई लोग जो है शामिल थे और वहाँ पे नीरज के गुर्गों को पैसे अपने पास जो है रखने के लिए उकसाते हैं और तीन भागे हुए शेरों को शामिल करते हुए एक जो है इनके झोपड़े में चले जाते। एक जो है झोपड़पट्टी होती है जहाँ पे नीरज को हिरासत में लेने के लिए आने वाले जासूसों के साथ जो है समाप्त हो जाती है। राज जंगी और चंदू राजा साहब और वाईफाई भाई के साथ अपने जो है मतभेदों को सुलझा लेते हैं और सदा खुशी रहते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी समाप्त हो जाती है। बता दें दोस्तों पागलपंती मूवी की घोषणा 21 सितंबर 2018 को की गई थी। अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के अपने अनुभव को साझा किया था।
एक बयान में उन्होंने कहा था कि लंदन में शूटिंग किसी रूलर के साथ को स्टार राइट से कम नहीं थी, जहां पे वहां मौसम को देखते हुए फिल्म की सीक्वल को थोड़ा सा शूट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। बता दें दोस्तों, वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पागलपंती फिल्म को, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। ये फिल्म 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, लियाना डिग्रेज एंड अरशद वारसी और उनके साथ कई सारे स्टारकास्ट इस फिल्म में शामिल थे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई और ये मूवी नाटकीय रूप से भारत में 22 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। इसे आलोचकों से आमतौर पर प्रतिक्रिया समीक्षाएं मिली, जिन्होंने मुख्य रूप से लेखन की आलोचना की थी। पागलपंती की मूवी की घोषणा 21 सितंबर 2018 को की गई थी। अप्रैल 2019 में बजमी ने लंदन में शूटिंग के अपने अनुभव को साझा किया था और एक बयान में उन्होंने कहा था कि लंदन में शूटिंग किसी रोलर या फिर कोई स्टार साइट के साथ नहीं की जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें, प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 के लंदन में शुरू हुई थी। दोस्तों, लंदन में शूटिंग शुरू किया गया था 2019 के अंतिम हफ्ते में समाप्त हो गया था, जिसमें प्रमुख फोटोग्राफी समाप्त हो गई थी। जॉन अब्राहम मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस के सीन समाप्त करते समय उनको थोड़ा सा चोट लग गया था। सीन थोड़ा सा मुश्किल था, जिसके वजह से जॉन अब्राहम घायल हो गए थे। प्रोडक्शन ने फेवरेशन में फिल्माए दृश्यों के साथ, जहां पे मार्केट स्ट्रीट के साथ जो है वेस्टर्न लंदन बाजार के रूप में दो गुना हो गया था और गिल्ड हॉल को जो है ना कि अतिशक्ति के साथ जो है दुकान में बदल दिया गया था, जहां पे ऐतिहासिक और आपको बताया डार्केस्ट के साथ जो चौथम का उपयोग भी किया गया था। यहाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पागलपंती फिल्म के बारे में। तो ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। तो प्लीज दोस्तों, पागलपंती फिल्म में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक बिना रिटर्न फिल्म को इंडियन सिनेमा की तरफ से जो है काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं रिलीज होने के बाद, लेकिन ये फिल्म अभी तक अपने बजट को रिकवर नहीं किया है। दोस्तों, फिल्म को बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दिया और उन्होंने लिखा है कि एक बिलम रिटर्न फिल्म सर्वोच्च संगीत उद्धत वाली मूवी है, जहां पे रोमांचकारी क्षणों का प्रतीक किया गया है। और इसी के साथ इस फिल्म को इंडिया टुडे की तरफ से श्वेता किशोरी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दिए है और लिखा है, एक बिलम रिटर्न फिल्म का मनोरंजन प्लॉट एक आकर्षक कहानी के साथ विजेता है। एक बिलम फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म के साथ अच्छा काम करने वाले मोहित सूरी लाते हैं, बड़े पैमाने पर संवाद, रोमांचकारी क्षण और अगली कड़ी में अच्छे प्रदर्शन के साथ एक मसाला एंटरटेनर फिल्म है। फिल्म को द फ्री प्रेस जर्नल के रोहित भटनागर ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दिया और लिखा है कि एक बिलन रिटर्न फिल्म निश्चित रूप से वापस आ गया है, लेकिन पहले की तरह नहीं बल्कि एक स्टाइलिश थ्रिलर का अनुभव करने के लिए इसी फिल्म का आनंद ले जा सकते हो, जहाँ पे मोहित अपील के साथ अच्छी तरह से मुकाबला करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिए हैं और लिखा है कि एक बिलियन रिटर्न्स फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न आते हैं, लेकिन ये फिल्म आपको किसी भी पात्र या फिर कहानी के भावनात्मक रूप से उत्साहित नहीं करता है। हालांकि आप इस स्थिति की कामना करते हैं अलग या फिर उसी के साथ स्क्रॉल इन की नंदिनी रामानाथ ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिए हैं और लिखा है, एक बिलियन रिटर्न्स फिल्म में सिर चकरा गया है और खून बह रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ जो कुप्रथा की वीरता से ज़्यादा भयानक जो कुछ नहीं होते हैं। पिंक बिल्ला के अविनाश लोहाने ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिए हैं और लिखा है, एक बिलन रिटर्न्स फिल्म एक यानी कि आशाजनक मनोरंजन मूवी था, लेकिन ये फिल्म समग्र कहानी वाली फिल्म है जो एक बेकार साबित हो सकती है। न्यूज 18 की सुनीली ढेडिया ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दिए हैं और लिखा है, एक बिलन रिटर्न्स फिल्म इंटर वर्ल्ड के बाद ही शुरू होता है, जहां पे इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी बन जाती है। वहीं पे फिल्म जो है गोड के साथ सुहाना यानी कि चाहते हैं और पहला हाफ बेकार है। यहां तक कि अगर ये फिल्म दर्शकों को उन पात्रों में और साथी निवेशित करने के लिए कड़ी हो तो मेहनत कर सकते हैं जो कि शुरुआत कहते हैं और सीधे 80 के दशक के बॉलीवुड से बाहर आते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दी है। बता दें दोस्तों, इन्होंने इस फिल्म को बहुत कम रेटिंग दी है, क्योंकि अलग के बारे में हम बात करें तो सभी ने 2 पॉइंट से ऊपर की ही रेटिंग दिया है, लेकिन इन्होंने 1 की ही रेटिंग दी है।
तो दोस्तों फिल्म को सुब्रत गुप्ता ने 1 स्टार की रेटिंग दिया और लिखा है कि दिशा पतानी, तारा सुतारिया, अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम स्टारर में एक अलग जो है कथानक है और पैदल प्रदर्शन है जहां पे एक विलन को एक बेहतर फिल्म की तरह बना सकते हैं। एनडी टीवी की सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार रेटिंग दिया और लिखा है अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम फिल्म की यानी कि रितिका को पूरा करने में एक दूसरे से आगे निकल गए हैं, जहाँ पे तारा सुतारिया और दिशा पतानी के लिए जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। और अन्ना एमएम और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के वेटी कैट ने फिल्म को 5 में से 0.5 स्टार की रेटिंग दिया और लिखा है जॉन अब्राहम इन साथी मुश्किल से एक विलन टर्न फिल्म में अपनी अभिव्यक्तित्व में बदलाव करते हैं, उनके सह कलाकार सबसे अच्छा करते हैं, इसे केवल जो है निराशाजनक परिस्थितियों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। रेडीप की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 0.5 स्टार की रेटिंग दिया और लिखा है एक विलन रिटर्न फिल्म अपनी अपील को बढ़ावा देने के लिए इन साथी गोलियां ट्रेन की लोकप्रियता पर वापस आ जाता है। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक ब्लड ट्रांस फिल्म को जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहां पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक ब्लड रिटर्न्स फिल्म की कहानी के बारे में कि फिल्म की कहानी कैसे शुरुआत हुई थी और फिल्म में क्या कहानी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन ये फिल्म अभी आपको यूरोप पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक नकाबपोश इंसान से जो घुसपैठिया एक जो है इनकी अपार्टमेंट में परिसर से घुस गया है और वार्सी मल्होत्रा नाम की एक प्रसिद्ध जो है गायिका को मार डाला, जहाँ पे जांच के बाद जो है पुलिस यह निष्कर्ष निकालती है कि आरबी का पूर्व प्रेमी गौतम मेहरा हत्यारा है, जहाँ पे इस एक फ्लैशबैक में यह दिखाया गया है कि गौतम एक जो है इनकी बिगडेल अमीर बउआ है जिसे जो है उसके यानी कि उद्योगपति पिता देवेश मेहरा ने डांटा है क्योंकि गौतम अपनी पूर्व प्रेमिका की शादी में यानी कि हंगामा किया था और आर्मी ने गौतम के हंगामा को रोका और उनके साथ जो है सॉन्ग में बदल दिया था, जहाँ पे गौतम एक संगीत जो समारोह में आरबी से मिलता है और प्रसिद्ध जो है पाने के लिए हंगामा के वीडियो क्लिप का उपयोग करने के लिए उससे बदला लेने की पूरी कोशिश करता है और उससे प्यार करने का नाटक करता है। हालांकि उनके साथ जो है संदेह हाशोपत यानी कि आरबी गौतम से दोस्ती करती है जब जो है यानी कि फेस में उसकी जो है प्रतिद्वंदी किरण जिसे वह जानता है और साथ ही उसके बदले में उसकी मदद करती है। बता दें दोस्तों अब घटनाओं के दौरान जब वह एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं तो आरबी अपने पिता यानी कि बालकृष्णा शास्त्री के बारे में बताती है जो एक लोकप्रियता गायक था जिसका उसकी मां के साथ जो विवाहेतर संबंध था, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसका पहले से ही एक परिवार था। वह गौतम को बताती है कि उसका मुख्य लक्ष्य एक प्रसिद्ध जो है गायिका बनकर उनके पिता को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करना है। हालांकि आरबी के बचपन की तस्वीर गौतम द्वारा लीक की जाती है जहां पे शास्त्री सार्वजनिक रूप से उसे अपनी बेटी के रूप में अस्वीकार करते हैं। आरबी को गौतम की हरकत और साथी चाल के बारे में पता चल जाता है जिससे उसका दिल टूट जाता है और वर्तमान में ये यानी कि समय पूर्व सीबीआई डीसीबी के साथ जो है आदित्य राठौर की अध्यक्षता में एक विशेष टीम गौतम का पता लगाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह बच जाता है। और साथ ही एसीपी वीके के साथ जो है गणेश का अनुमान लगाया जाता है कि उनके साथ जो है गौतम ने आरबी को नहीं मारा है। और बाद में पुलिस जो है भरवा रोहित यानी कि उनके साथ जो है पुरोहित नाम के एक जो है चंडीगढ़ से पूछताछ करती है क्योंकि भरवा के फ़ोन में आरबी का फ़ोन नंबर मिला था, लेकिन वह अपराध से इनकार करता है। और साथ ही यानी कि असंतोषजनक जो है यानी कि साक्ष्य के कारण भैरव को छोड़ दिया जाता है। अब साथ ही साथ जो है गणेशन ने यह जो समझाते हुए एक जो है पैटर्न पाया कि उनके साथ सीरियल किलर जो है जिसे मीडिया में यानी कि उनके साथ जो है स्माइल किलर के रूप में जाना जाता है केवल उन यानी कि युवा लड़कियों को लक्षित करते हैं जिनके एक तरफा प्रेमी थे और यह भी यानी कि देखते कि हत्यारा थे। तो अब इसके बाद जो है भैरव का अतीत एक बैग जो है ड्राइवर के रूप में सामने आता है जो अपने दोस्त जो है केशव के साथ एक जो है जूकीपर के रूप में असंकाले काम करता है, जहाँ पे वह एक मॉल में एक जो है कपड़ों की दुकान की और साथ ही सेल्सगर जो है रसिका और साथ ही मपूस कर से मिलते हैं जो शादी की योजनाओं को ध्यान में
रखते हुए उसके लिए गहराई से गिर जाता है। एक दिन यानी कि रचिका बदमाशों के एक समूह को भैरव के बैग से जो है घायल कर देती है जो उसे छेड़ रहे थे। इसी प्रकार जो है भैरव को उसके जो है अंधेरे का पक्ष का खुलासा किया जाता है। लेकिन वहीं पे लोनावला में एक जो है छुट्टी के दौरान भैरव ने रसिका को प्रपोज करने का फैसला किया, लेकिन उसे अपने जो है शादीशुदा एंड साथी मैनेजर अतुल के साथ जो है अंतराल होने को देखता है, जिससे जो है भैरव का दिल टूट जाता है। दोस्तों ये सब कुछ देखने के बाद भैरव का दिल टूट गया और रचिका बाद में भैरव से मिलती है और उसे उन लड़कियों को मारने के लिए उकसाती है जिनके यानी कि एक तरफा प्रेमी होते हैं। जहाँ पे रचिका के प्रति अपनी जो यानी कि वफादारी साबित करने के प्रयास में पूजा अंत तक जो है उसकी पहली शिकार बन जाती है। इसी घटना के बाद जो है भैरव मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाती है और रचिका सहित कई जो है लड़कियों को मारने लगता है। साथ ही साथ आपको बता दें हर्बी के साथ अपने जो है ब्रेकअप के 3 महीने बाद गौतम अपने जीवन शैली को फिर से जो है हासिल कर लेता है, लेकिन आत्मविश्वास और साथ ही छुटकारे के साथ जो है चरण से गुजरता है और वह अंततः आरबी के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। जब वो घायल हो जाता है और उसकी देखभाल किया जाता है तो गौतम आरबी से खुद को जो है बदलने का वादा करते हुए एक मौके के लिए विनती करता है, लेकिन जब वह भैरव की बैग में आती है तो भारी मन से निकल जाता है और भैरव गलत यानी कि समझ जाता है इस चीज को देखकर कि आरबी ने गौतम को धोखा दिया है। जहाँ पे रसिका के साथ रात में परिसर पर हमला किया जाता है क्योंकि भैरव आरबी को मारता है और शुरुआती दृश्य का जिक्र किया जाता है। वर्तमान में फिर से गौतम को गणेशन ने भैरव के और साथी जो है कि चिड़िया घर का पता लगाया जाता है, जिसके कुछ ही समय बाद भैरव द्वारा मार दिया जाता है। जैसे आपको बतलाते वहाँ पर पहुँचता है तो ये पता लगाया जाता है कि आरबी जीवित है और साथी भैरव ने उसे जो है कि चिड़ियाघर में बंद कर दिया और भैरव ने गौतम को बताया कि आरबी जीवित है और इसके बजाय जो है केशव को समझाया जाता है और साथ ही समाज झील करने के रूप में तैयार किया गया है और यश के केशव के खिलाफ जो है गवाही देने के बाद अपने जो है लगातार अलग बेटे यश को जो है विश्वास में लाया जाता है, जो केशव की पत्नी के जाने के बाद जो है यश के प्रति और विश्वासघाती होने के लिए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज किया जाता है। दूर भैरव ये सब कुछ देखता है, दूर होकर उनके साथ होकर चला जाता है, जबकि आदित्य एक जो है इनके अन संबंध जो है गौतम को और साथ ही सतावना देने की पूरी कोशिश करते हैं। उसे बतलाते हैं कि केशव के भागते समय जो है इनकी भगोड़े के रूप में मामला सुलझा दिया गया है और भैरव और रसिका बाद में चिड़ियाघर लौट जाते हैं और चिड़ियाघर में जो है यानी कि तैनात सभी जो है गार्डों को मार देते हैं, जहाँ पे वह भी यानी कि आरबी को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन गौतम वहाँ पे चला आता है और भैरव के साथ जो है एक घातक लड़ाई में उनके साथ जो है संलग्न हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि एक मोड़ में ये पता चलता है कि रसिका वास्तव में मर चुकी है। भैरव वास्तव में रसिका को भ्रमित कर रहा है, जिसे गौतम ने घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद महसूस किया था। ये सब कुछ जो है एक अलग दोस्तों एक बिना रिटर्न फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से बनाई गई है जो दर्शकों को खूब ज़्यादा पसंद आया है। दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि अभी इस फिल्म को सिनेमाघरों में चलाया जा रहा है। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, आपने नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस फिल्म की कहानी के बारे में और भी अधिक जानते हैं। दोस्तों एक लड़ाई के बाद भैरव फिर से याद करता है कि वास्तव में वहाँ पे क्या हुआ था। रसिका के बिल्कुल जो है यानी कि कबूल करने के बाद वह जो है सप्त हो जाते हैं कि वह इसे अतुल के साथ आगे ले जाने की योजना बना रहे होते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि उसके लिए अपने परिवार को छोड़ देगा और वहीं पे बामुश्किल एक दुर्घटना से बचने के बाद रसिका से उसकी जो है भावनाओं को स्वीकार करने के लिए कहता है, जहां पे वह अनजाने में उसे मार देता है। अपने होश में आकर भैरव उसके शरीर को चिड़ियाघर में फ्रीजर में रख देता है, जहाँ पे उसे रसिका को भ्रमित करता है यानी कि मति भ्रम करना शुरू कर देता है और उसकी खातिर वह हर लड़कियों को मारना शुरू कर देता है। गौतम और भैरव को बताते हैं कि उसने अपने मति भ्रम के माध्यम से देखा था जब जो है भैरव ने चिड़ियाघर के बाहर जो है रसिका से बात करना शुरू किया। वह उसे बताता है कि भैरव का प्यार रसिका
मल्लिका के लिए नफरत में बदल गया था, जबकि जो है गौतम का आरबी के लिए प्यार और हमेशा के लिए वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, भले ही वह उसे स्वीकार न करे। अपने साथ जो है इनकी अपनी गलती का एहसास होने पर भैरव बाघ का पिंजरा खोलता है और बाद में वहीं पे बाघ उस पर जो है हमला कर देता है और गौतम आरबी के साथ जाता है, जो उसके साथ फिर से मिल जाती है और बाद में आरबी गौतम और उनके प्रशंसकों के साथ जो है इनके समर्थन से संगीत कार्यक्रम में गाती है। दोस्तों एक पूर्व पोस्ट प्रसादी क्रेडिट जो है देशो के दौरान जो है राकेश का साथी महाटकर जो कि दुर्घटना से बच गया था, जो कि उनके साथ जो है सुधारित इंसानी गैंगस्टर गुरु दिवेकर के साथ अपने जो है लड़ाई के बाद में उनके साथ अपनी पत्नी और आयशा वर्मा की पुरवा हाथों हत्या के लिए प्रतिशोध में था और तब से एक यानी कि अपाहिज बन गया था और बाघ के हमले के अपनी एक आँख खोने के बाद जो है भैरव से मिलता है, जो वास्तव में जीवित है, जहाँ पे वह जो है इनकी पिगड़ से अपना जो है वादा पूरा करता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पार्ट वन फिल्म के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बार जब जो है इनकी देशमुख ने नकारात्मक भूमिका निभाई थी इस फिल्म में और ये 27 जून 2014 को दुनिया भर में जारी किया गया था और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी इसी विषय में, और साथ ही निर्देशक जो है दिशा पटानी और उनके साथ जो है पटकथा और देशमुख के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त हुई थी। जब फिल्म को 39 करोड़ के बजट में बनाया गया था और फिल्म जो है घरेलू स्तर पर 100 करोड़ से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया था। दोस्तों एक विलन फिल्म ने 100 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और दुनिया भर में फिल्म ने 170 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ी सफलता मूवी बन गई थी। दोस्तों वहीं पे एक विलन फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो मल्होत्रा और रितेश देशमुख के बाद जो है 2019 में मसाला एक्शन जो है मर जाओ फिल्म के लिए फिर से आए थे, जिसमें जो है रितेश देशमुख के प्रति पक्षी के रूप में प्रवेश जो है उनके साथ एक विलन साउंड से जो है पुरस्कार विजेता की गीत के साथ गलिया गा रहा था। उसी के साथ जो है सीक्वल एक जो है विलन रिटर्न फिल्म जिसमें अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसके साथ दिशा पटानी और तारा सुतारिया इस फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई है से 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों यहीं पे एक विलन फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर तो एक युवती आयशा वर्मा अपने पति गुरु दिवेकर के लिए एक संदेश जो है छोड़ने की पूरी कोशिश करती है, जो उसे फोन करता है लेकिन कॉल अधिक हो जाती है जब जो है नकाबपोश व्यक्ति आयशा के घर में प्रवेश करता है और उसे जो है खिड़की से फेंक कर मार देता है। उसके अंतिम संस्करण में सीबीआई अधिकारी आदित्य राठौर बताते हैं कि हत्यारे को ट्रैक करना महत्वपूर्ण और साथ ही अन्यथा गुरु हत्या की होड़ में चले जाएंगे। फ्लैशबैक में ये बताया जाता है कि गुरु भीड़ के साथ जो है मालिक सीजर के लिए काम करने वाला एक क्रूर हिटमैन था, जिसने जो है उसे उठाया था और प्रतिपक्षी किया था ताकि गुरु को अपने माता पिता को मारने वाले गुंडों की हत्या करने का मौका मिल सके। साथ ही देबू को मारने के लिए गुरु को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन उसे जो है जमानत मिल जाती है क्योंकि देबू की मां उसे जो है उसके खिलाफ गवाही देने से इनकार कर देती है। वह गुरु को चेतावनी देती है कि उसने गवाही नहीं दिया क्योंकि एक दिन उनके साथ भगवान उसे उसके अपराधों के लिए भुगतान करेगा और वह एक जो है प्रियजनक को भी खो देगा। आपको बता दें लाइलाज बीमारी से मरने वाले एक सकारात्मक लड़की आयशा से गुरु मिलती है और प्यार करते हैं। उनकी शादी हो जाती है और गुरु अपने पुराने जीवन को छोड़कर नौकरी पा लेते हैं, जबकि जो आयशा मुंबई में इलाज करवाती है और ठीक हो जाती है। उसे पता चलता है वह गर्भवती है। जब वह अपने जो है सजता कार से लौटती है तो गुरु को व्यक्तिगत रूप से बताने का फैसला करता है लेकिन उससे पहले उसकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं एक विलन रिटर्न्स फिल्म के बारे में, जिसे 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये आप लोग को पता है।
फ्रेंड अब वर्तमान में ये बताया जाता है कि राकेश महाडकर अस्पताल के सातवें असफल व्यक्ति थे, जिसे उसकी पत्नी जो है सुलोचना द्वारा उसकी कमियों के लिए लगातार अपमान किया गया था और उसके साथ जो यानी कि उपहास किया गया है। हालांकि वह भी यानी कि उससे प्यार करती है और वह अन्य महिलाओं की हत्या करना अपनी यानी कि हताशा को बाहर निकालता है, जो उससे यानी कि आशुतोष से बात करती है और ऐसा उनमें से एक बन जाती है। गुरु राकेश का शिकार करता है और उसे बेरहमी से पीटता है, फिर उसे जो अस्पताल में भर्ती कराता है और खर्चों का भुगतान करता है, उसे बार बार मौत के कगार पर लाकर उसे बचाकर फिर से जो ऐसा करने और उसे दंडित करने का इरादा रखता है। अस्पताल में गुरु को पता चलता है कि ऐसा गर्भवती थी, जिससे वह और भी यानी कि उसका दिल टूट गया। एक नर्स पर हमला करते हुए राकेश को फिर से गुरु ने रोक लिया, जो उसे मारता है और फिर उसे एक इंजेक्शन के साथ जो है पुनर्जीवित करता है और पुलिस राकेश की हत्याओं का पता लगाती है और सुलोचना को पूछताछ के लिए ले जाते हैं। राकेश को पता ये चलता है कि गुरु आयशा का पति है और प्रतिशोध की मांग कर रहा होता है। अपने दोस्त जो है इनकी ब्रिजेश के सुझाव पर वह आयशा के पिता को मारने से पहले गुरु को फ़ोन करता है। बता दें दोस्तों, राकेश को उम्मीद है कि गुरु उसे मार देगा ताकि वह सुलोचना और बाकी सभी की नज़र में एक हीरो के रूप में मर सके, जबकि गुरु जो है इनकी कलंक जबकि गुरु जो है कलंकित हो जाएगा। हालांकि सीजर गुरु को यहीं पर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि उसने गुरु के लिए आयशा का बदला लेने के लिए सुलोचना को मार डाला है और राकेश के छोटे बेटे मनीष को गुरु को मारने के लिए छोड़ दिया गया है। क्रोधित होकर राकेश गुरु से उनके साथ जो है जमकर लड़ता है और उसे जो है इमारत से बाहर निकाल देता है। वह युद्ध में गुरु को हरा देता है और साथ ही इस क्रूर और ड्राइवर से वार करता है और उसे मारने के लिए एक जो है बोल्डर उठाता है, लेकिन एक कार उसे जो है की टक्कर मार देती है और राकेश उसकी जो है चोटों से मर जाता है और गुरु मनीष को मारने के बजाय उसे गोद ले लेता है और शेष इच्छाओं को पूरा करता है और ऐसा कि साथी यानी कि बकेट लिस्ट में वहां पे एक साथ ले लिए जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। दोस्तों इसी के साथ जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो है सर्टिफिकेशन CBS ने एक्शन दृश्यों को टोन करने और उनके साथ जो है विशेष शब्द को म्यूट करने के लिए डिजाइन किए थे, क्योंकि आपको बता दें 8 कट के बाद जो है सर्टिफिकेट के साथ जो फिल्म को मंजूरी दे दी गई थी। बालाजी मोशन पिक्चर के प्रतिनिधि जो है तनोज गढ़ ने कहा कि कॉट स्क्रीन के साथ जो समय के 1 मिनट से भी कम है। फिल्म का आधिकारिक जो है टीजर जो 4 अप्रैल 2014 को फिल्म में 13 हीरो के साथ जारी किया गया था और इसी के साथ रिलीज होने के 3 दिनों के भीतर ही YouTube पर 1 मिलियन बार देखा गया था। 2 मिनट 18 सेकंड के आधिकारिक ट्रेलर को बाद में लॉन्च किया गया था और इसे आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया था और साथ ही साथ करण जौहर एंड रणबीर कपूर एंड करीना कैफ के साथ जो है कई सहित अन्य लोगों के साथ जो है 7 पूरे उद्योग से प्रशंसा की गई थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख, मोहित सूरी और फिल्म के संगीत निर्देशकों ने फिल्म के साउंड ट्रैक को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक संगीत कार्यक्रम में भाग लिया था। इसके अलावा मल्होत्रा और कपूर ने साथ ही IPL और सेमीफाइनल के साथ जो है एक झलक यानी कि दिखला जा सके और जैसे ही यानी कि उनके साथ रियलिटी शो में फिल्म का प्रचार किया गया था, वहीं पे जयपुर एंड कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों में देश भर में जो है प्रचार किया गया था और फिर जो है आयोजित किए गए प्रचार एवं रणनीति के साथ भाग के रूप में बॉलीवुड एंड खलनायकों पर जो है आधारित एक जो है टेलीविजन शो की मेजबानी मल्होत्रा ने किया था और एक बिलियन रिटर्न फिल्म को 27 जून 2014 को घरेलू बाजारों में 2,539 स्क्रीन पर नाटकीय रूप से रिलीज कर दिया गया था। एक बिलियन रिटर्न फिल्म को मल्होत्रा और देशमुख के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी और फिल्म के बारे में बॉलीवुड हंगामे के दौरान आदर्श ने फिल्म को 4.5 स्टार की रेटिंग दी, 4.5 स्टार से सम्मानित किया और उन्होंने लिखा है कि कुल मिलाकर एक विलन एक यानी कि स्टाइलिश इन साथी मंत्रा मुख करने वाली मूवी है, जहां पे भयानक बर्ताव वाली थ्रिलर फिल्म है और ये बिना किसी यानी कि संदेह के इसी शैली में एक कदम आगे है और एक निश्चिंत शॉट के साथ जो है विजेता बनकर फिल्म उभरता है। फिल्म फेयर से रेडिटा टंडन ने फिल्म को 4.5 स्टार की रेटिंग दिया और उन्होंने कहा, हालांकि भागों में लिफ्ट यानी कि उनके साथ एक विलन एक मंच में पैक करता है और एक कोरियाई फिल्म की कॉपी या फिर नहीं यानी कि अच्छा किया जा सकता है।
साथ ही साथ पैसा वसूल होने के साथ फिल्म एंटरटेनमेंट भी करती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दिया, जिसमें कहा गया है कि आप एक विलन के पैमाने को दोष नहीं दे सकते या फिर इसकी जो मुख्य स्टार कास्ट को और साथ ही फटकार नहीं दे सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि आप किसी थ्रिलर का जश्न मना सके। तो जैसे आपको बता दें, अपने जो आज की 2 फिल्म में सूरी की आखिरी फिल्म की थी, इसमें जो है इनकी आत्मा की कमी रखी गई है। या फ्रेंड्स, आपने सही सुना। दोस्तों, अगर आप एक विलन रिटर्न्स फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, हम यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, ये तो आप लोग को पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक विलन रिटर्न्स फिल्म को, जिसे 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों, फिल्म के बारे में जी न्यूज़ की अपर्णा मोदी ने फिल्म को 2.5 स्टार की रेटिंग दी और अपने समीक्षा का निष्कर्ष निकाला कि आंत की गाथा के और साथ ही अनावरण में बहुत सारे और साथ ही मजबूत पात्र रखे गए हैं, और मोहित ने एक विदेशी फिल्म को अपनाने और इसके साथ जो है पूरक करने में अच्छा काम किया है। नाटकों के साथ जो है भारतीय दर्शकों के अनुसार अव्यस्त, लेकिन यह एक थ्रिलर फिल्म बनाने में थोड़ा आगे निकल गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, फिल्म जो है निर्माताओं को इसी इलाज के साथ जो है अधिक बार जो है बाहर निकलना चाहिए और हम विश्व सिनेमा की औषधि बीकन बजाने से बहुत दूर होंगे। CNN IBN के राजीव मंशद ने कहा कि मैं एक विलन के लिए 5 में से 2.5 के साथ रह रहा था। अगर आप सभी भी यानि की सोच रहे हैं तो यहां असली यानि की खलनायक घटिया स्क्रिप्ट के साथ आते हैं। दोस्तों, फिल्म को द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस मूवी को 2.5 स्टार की रेटिंग दिए, और सूरी एक सहज कहानीकार है और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं और उसे केवल एक जो है मजबूत यानि कि सभी तरह से विश्वास किए जा सकते हैं। मूल कथाने के बारे में हम बात कर तो फिल्म की कथानक आवश्यकते हैं, जहां पे सैबल चटर्जी ने फिल्म को, NDTV ने फिल्म को 2.5 स्टार की दर्जा दिया और लिखा है कि संपूर्ण रूप से इसी फिल्म में इसकी 7वीं इन जाते इस भावी के साथ जो है इनके अलावा पीछे हटने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इसे केवल तभी देखें जब ये आपके लिए यानी कि पर्याप्त हो सकते हैं। राजा रेडीफ के तरफ से इस फिल्म को 5 से 1.5 स्टार की रेटिंग दिया था, और जिसमें कहा गया है कि यानी कि मुफ्त टिकट दिए जाने पर जो है निश्चिंत रूप से आप इसी यानी कि हफ्ता के अंत में सिनेमाघरों में और साथ ही हम सकल्स मूवीज से बच सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि खुद को एक के साथ करो और साथ ही कोरियो और साथ ही कोरियाई जो है DVD की तलाश करो और साथ ही अनकर के साथ, यहाँ तक कि अब यानी कि विशेष फिल्म भी आप देख सकते हो। एक विलन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस इंडिया को वेरी गुड के साथ जो है यानी कि ओपनिंग कहा था, और जिसमें लगभग जो है 55 से लेकर 60 जो है यानी कि IQPNC थी, और इसी के साथ फिल्म ने अपने पहले दिन में लगभग जो है 167 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो USA में कन्वर्ट कर दे तो 2.1 मिलियन, और अपने पहले हफ्ता में फिल्म ने लगभग जो है 507 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो USA में कन्वर्ट कर दे तो 6.3 मिलियन की कमाई की थी, और लगभग जो है 165 मिलियन से लेकर 2.1 मिलियन और 174 मिलियन से लेकर 2.2 मिलियन का संग्रह किया, और अपने दूसरे और तीसरे दिन में क्रोमस जो है फिल्म ने अपने चौथे दिन में लगभग जो है 81 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो USA में कन्वर्ट किया जाए तो 1.0 मिलियन, और अपने जो है 5वें दिन में लगभग जो है 68 मिलियन से अधिक की कमाई किया था और संग्रह किया था। फिल्म ने 2 हफ्ते में 1.013 बिलियन से अधिक की कमाई किया था, और USA में कन्वर्ट कर दे तो 13 मिलियन, और 3 हफ्तों में लगभग जो है 1056 बिलियन से अधिक की कमाई कर लिया था। इसी के साथ बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बताया था कि अकेले भारत में लगभग जो है फिल्म ने 1.8 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो USA में कन्वर्ट कर दे तो 14 मिलियन कमाई किए थे, और फिल्म ने लगभग जो है 510 मिलियन एंड USA में कन्वर्ट कर दे तो 6.4 मिलियन शेयर का वितरक हिस्सा अर्जित किया था, और एक विलन फिल्म ने अपने पहले हफ्ता में भारत में केवल 132 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। तो दोस्तों, ये है इस फिल्म की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक विलन रिटर्न्स फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं और साथ ही साथ इस मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था बेवफा फिल्म 2005 की भारतीय संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित की गई, एन बोनी कपूर द्वारा निर्मित की गई और संगीत नदीम शर्वन द्वारा तैयार किया गया फिल्म है। मूवी को रिलीज किया गया था 2005 में। तो अब बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होता है कनाडा में। अंजलि कनाडा में जन्मी, पली बड़ी
अपनी माँ नफीसा अली और भारतीय पिता कबीर की बेटी है, छोटी बेटी है जो कि मार्टिन एंड साथी जो है क्यूबेक में रहती है। वह अपने माता पिता के साथ स्वस्थ है, स्वस्थ संबंध जो है साझा करती है और अपनी बड़ी बहन आरती के साथ जो है समान रूप से प्यार भरा बंधन साझा करती है। दोस्तों फिल्म के अंदर अंजलि एक जो है नवोदित संगीतकार रंजित कपूर उर्फ यानी कि राजा के प्रति आकर्षक है एंड साथी जो है विकसित करती है। उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल जाती है, लेकिन अंजलि अपने माता पिता से रिश्ते को गुप्त रखती है क्योंकि राजा अभी तक जो है अपने करियर और साथी भविष्य में स्थिर नहीं है और आरती जो है अंजलि और राजा को यानी कि अस्वस्थ करती है कि वह उनके माता पिता को उनके सच्चे प्यार के लिए मना लेगी। दोस्तों बतला दे आरती ने आदित्य सहानी से शादी की है और यह जो है इनकी जोड़ा जल्द ही जो है यानी कि जुड़वा बच्चों की उम्मीद कर रहा होता है। गौरवस्था के दौरान जो है यानी कि जटिलताएँ बढ़ जाता है और उत्पन्न होती है और साथ ही जुड़वा जो है लड़कियों को जन्म देते समय आरती की मृत्यु हो जाती है। शोक में फिल्म चला जाता है, ये मूवी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है शोक में रहते हुए और अभी भी यानी कि राजा के साथ अपने जो है रिश्ते से अनजान। अंजलि के माता पिता का सुझाव है कि वह आदित्य से शादी करे, हालांकि वह जो है राजा के अलावा किसी और के साथ रहने के विचार को सहन नहीं कर सकती। अंजलि अपने बहन के बच्चों के खातिर अपने जो है प्यार का त्याग करती है फिल्म के अंदर और आदित्य से शादी कर लेती है। बतला दे दोस्तों अपने नए परिवार के साथ नई दिल्ली चली जाती है करीना कपूर एंड साथी आदित्य जो कि अभी भी आरती के खोने का शोक मना रही है। एक जो है बिजनेस टाइकून है जिसे अपनी भाभी या फिर जो है अपनी दो छोटी बेटियों के लिए शायद ही कोई जो है समय मिलता है। अंजलि माँ और साथी जो है पत्नी की भूमिका इस फिल्म के अंदर निभाती हुई नजर आई है, लेकिन अपने और आदित्य के बीच की खाई को जो है यानी कि पार नहीं कर पाती। वह खुद को एक ऐसे जो है विवाह में पाती है इसमें कोई जो है अनुकूलता नहीं रखी गई है। मूवी के अंदर करीना कपूर जो है अपने बेटी अपनी भतीजी के लिए अपने प्यार को त्याग देती है और अक्षय कुमार के साथ बेवफा करती है। अपनी बेटियों के लिए शायद ही कोई समय मिलता है, यहाँ पे अनिल कपूर जो है बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते हैं। अंजलि इस फिल्म में माँ और पत्नी की भूमिका को पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाती और अपने और आदित्य के बीच की खाई को पार नहीं कर पाती है। वह खुद को एक ऐसे विवाह में पाती है जिसमें कोई जो है अनुकूलता नहीं रखी गई है लेकिन केवल समझौता किया गया है। वह अपनी भतीजी की खातिर जो है जुनूनहीन मिलने में रहती है जिसे वह अब जो है अपना मानती है। दोस्तों बतला दे वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बेवफा फिल्म को जिसे 2005 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। ये कहानी तब बदल जाता है जब अक्षय कुमार एक बड़े सिंगर बनकर उभरते हैं। इन सबके बीच एक दिन राजा जो तब से एक जो है प्रसिद्ध जो है फ्यूजन गायक बन गया है उसके जीवन में वापस आते हैं। अंजलि फटी हुई जो है महसूस करती है लेकिन उसके साथ समय बिताना शुरू कर देती है। राजा अपने रिश्ते को ठीक से फिर से जो है जगाना चाहता है लेकिन अंजलि अपने पति और अपने जो है बच्चों को नहीं भूल सकती। आदित्य एक जो है व्यापार यात्रा से लौटता है और उसे जो है अंजलि में एक बदलाव का एहसास होता हुआ देखता है जिसे वह अपने दोस्तों एक जो है इनकी तेज तरह जोड़े दिल और जो है पल्लवी अरोड़ा की मदद से देखने का फैसला करता है। वह राजा और अंजलि के अतीत के बारे में सच्चाई जानता है और अंजलि को राजा और खुद के बीच जो है चयन करने की स्वतंत्रता देता है और अंजलि जो है अंततः राजा के ऊपर आदित्य को चुनती है, न केवल एक माँ के रूप में अपने जो है इनके कर्तव्य के कारण जो है बल्कि इसीलिए भी कि उसे जो है पता चलता है कि आदित्य से प्यार करने आई है और राजा का दिल वहाँ से टूट जाता है। लेकिन अंत में वह बंद हो गया है और एक जो है इनकी विश्व दौर पर जाने के लिए निकल पड़ता है और फिल्म की कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों बात करें बेवफा मूवी की साउंड ट्रैक के बारे में तो फिल्म के अंदर जितने भी गाने हैं 2005 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैसेट थी और इस फिल्म के जितने भी गाने हैं नदीम शर्मन द्वारा रचित किए गए थे और गीतों को बोल जो है समीर द्वारा लिखे गए थे। गायक लता मंगेशकर एंड साथी जो है गुलाम अली आशा भोसले एंड कुमार शानू एंड अभिजय जो है उदित नारायण भी इस फिल्म के गाने को गाए हैं। अलका याग्निक सोनू निगम एंड शान और सपना मुखर्जी ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी थी। एल्बम में 8 गाने और 2 जो है इनकी वाद संस्करण रखे गए हैं। ड्रम बीट का वाद जो है संस्करण फिल्म में अक्षय कुमार के चरित्र का विषय था जबकि अन्य जो है इनकी वाद यंत्र सभी जो है नाम के गीत का वादा संस्करण फिल्म के अंदर रखा गया था। गीतों की रिकॉर्डिंग के बारे में हम बात करें तो 2003 में शुरू हुई और 2004 के माध्यम तक जो है पूरी हो गई थी। जैसा कि संगीतकारों ने 2004 के एक सचेताकार में कहा था कि गीत मेरा दिल को संगीतकारों द्वारा जो है इनके साथ जो है 3 संस्करणों में
रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें से प्रत्येक जो है फिल्म में अलग अलग जो स्थिति और साथ ही अलग अलग जो है इनके मूड का प्रतिनिधित्व करते थे। साउंडट्रैक दिसंबर 2004 में जारी किया गया था। भारतीय व्यापार वेबसाइट जो है इनकी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग जो है 25 लाख यानी कि इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम जो है वर्ष का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया था। तो दोस्तों, बेवफा फिल्म को अगर आप लोग यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम इस मूवी की एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेत्री करीना कपूर मैम के बारे में और बताएंगे इन्होंने अब तक कितनी फिल्मों में अभिनय कर चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवीज को देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बताएंगे। दोस्तों, इस मूवी को धर्मेश दर्शन सर ने डायरेक्ट किए हैं, जो कि फिल्म 2005 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं धर्मेश दर्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो धर्मेश दर्शन का जन्म जो है इनका सफरवाला फिल्म जो है निर्माता दर्शन जो है इनके सफरवाला के बेटे उनकी पत्नी शीला से हुआ था, जो फिल्म निर्माता महेश भट्ट और साथी मुकेश भट्ट की बड़ी बहन है। इसी प्रकार उनके माता पिता दोनों हिंदी फिल्म उद्योग से जुड़े हुए थे। कुछ बिंदु पर धर्मेश ने अपने माता पिता के पहले नाम को अपनाने यानी कि अपने उपनाम के रूप में अपनाने का फैसला किया और धर्मेश दर्शन के रूप में जाना जाने लगा था। उन्होंने सूरज बड़जियाता एंड आदित्य चोपड़ा धारा जो है करण जौहर और संजय लीला भंसाली की लीग में जो है भारतीय सिनेमा के सबसे कम उम्र के फिल्म निर्माताओं में से एक के रूप में अपना शानदार करियर शुरू किया था और उन्होंने राजा हिंदुस्तानी मूवी के साथ जो है बॉक्स ऑफिस इतिहास बनाया था। जब वह केवल 28 वर्ष के थे, उन्हें जो है जूही चावला एंड साथी लुटेरे फिल्म एंड करिश्मा कपूर के साथ राजा हिंदुस्तानी फिल्म और शिल्पा शेट्टी और जैसे जो है शीर्ष यानी कि नायिकाओं के साथ यानी कि काया पलट के लिए जो है जिम्मेदार थे। नायिकाओं के दर्शन यानी कि नायिका के निर्देशक के होने के लिए जो है व्यापक रूप से प्रतिष्ठित किया गया था। दोस्तों, बात करें इनके बारे में तो उन्होंने 24 साल की उम्र में लुटेरे फिल्म 1993 के साथ जो है निर्देशक की शुरुआत की। उन्होंने पटकथा भी लिखी थी और फिल्म का निर्माण उनके भाई जो है सुनील दर्शन ने किया था और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। अब 1996 में उन्होंने आमिर खान के साथ, करिश्मा कपूर के साथ अमित यानी कि अभिनीत जो है राजा हिंदुस्तानी फिल्म के साथ बड़े पैमाने पर अपनी दूसरी फिल्म जो है बनाई। यह फिल्म उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट होने के साथ साथ जो है 90 के दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई थी और 2019 तक भारतीय सिनेमा की बॉलीवुड के 100 वर्षों में बॉक्स ऑफिस पे चौथी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और इसे बहुत जो है सराहा भी गया क्योंकि दर्शन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए जीत हासिल किया था और स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार इनको मिले थे। राजा हिंदुस्तानी फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने 4 साल का ब्रेक लिया था। वो 2000 के दशक में 2 रिलीज मूवी के साथ लौटे, जिन्हें जो है स्वयं जो है निर्देशित और लिखा था और अपने जो है वास्तविक जीवन के छोटे भाई जो है यानी कि फैसल खान के साथ जो है आमिर खान द्वारा फिर से जो है अभिनीत की गई मेला बॉक्स ऑफिस पर एक अपादा फिल्म थी और इसे आमिर खान के करियर के सबसे खराब फिल्मों में से एक माना जाता है और बॉलीवुड में अब तक की सबसे खराब फिल्मों में शुमार किया जाता है। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी के साथ जो है धड़कन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और उस साल की चौथी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। फिल्म ने उन्हें साथ ही बेहतरीन रोमांटिक एंड निर्देशकों में से एक के रूप में प्रशंसा और एक जो है इनकी पंथ का दर्जा दिलाया था। धड़कन फिल्म को समीक्षकों द्वारा भी सराहा गया था और अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी के जो है इनकी फ्लैंगिंग करियर और छवि को जो है पुनर्जीवित करने के अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ कहानी श्रेणियों में कई पुरस्कार इनको मिले थे। दोस्तों, वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेवफा फिल्म के बारे में, जिसे 2005 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और अभी हम बात करें धर्मेश दर्शन के बारे में। इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इनको पसंद करते हो और इनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। उन्होंने एक और फिल्म को बनाया जिसका नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया। ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी, जो 1981 की फिल्म जो है एक ही फूल से जो है प्रेरित थी और जो है लाभदायक होने के बावजूद जो है इसे जो है प्रतिबंध कर दिया गया था। 2005 की बेवफा मूवी जो है आर चोपड़ा की जो है इनकी क्लासिक फिल्म जो है इनकी गुमराह मूवी की रिमेक थी। यह उम्मीद की जा रही थी कि उदाहरण वांछित की फिल्म जो है अपने संगीत और साथी स्टार कास्ट के कारण जो है सफल होगी
इसने देश भर में बॉक्स ऑफिस पे औसत से ऊपर जो है प्रदर्शन किया और विदेशी बाजारों में एक बड़ी सफलता फिल्म थी, जिसने जो है निर्माता बोनी कपूर के लिए सारे झंझट को तोड़ दिया था। उनकी अब तक की आखिरी मूवी रिलीज जो है 2006 में थी और आपकी खातिर फिल्म 2005 की अमेरिकी फिल्म द वेडिंग डेट की जो है रीमेक फिल्म थी और इसके निर्माता जो है इनकी विनाश के लिए संगीत से बहुत पैसा कमाने के बावजूद जो है यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अपारदा साबित हुआ था। साथ ही जो है मनमोहन जी की फिल्म निर्माता ने साथ ही सिल्वर स्क्रीन से ब्रेक लिया था जब उसने जो है उनके बाद अपने माता पिता को खो दिया था। अपने माता पिता को खो दिया हुआ जो इंटरनेशनल फिल्म एंड साथ ही जो टेलीविज़न क्लब ऑफ जो है यानी कि एशियन और साथ ही एकेडमी ऑफ फिल्म जो है एंड साथ ही टेलीविज़न के आजीवन के साथ जो सदस्य है और मीडिया के विभिन्न जो है मंचों पर एक जो है प्रमुखता से मुख्य वक्ता जो है सिनेमा और साथ ही मार्केटिंग के सभी जो है पहलुओं से संबंधित अपने जो है अनूठी वह जो है बॉलीवुड एंड साथ ही ब्रांडिंग के साथ वह एक जो है यानी कि कुशल गायक और अपने पंथ जो है बॉलीवुड के गीतों की कहानियों के साथ ही जो रस अदा किया गया है। दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम इस मूवी की एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं जिसे 2005 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं। दोस्तों बेवफा फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इस मूवी को यूट्यूब से हटा दिया गया है। अब चलिए दोस्तों यहाँ से बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री करीना कपूर के बारे में। तो इन्होंने 2000 के दशक में साथी रिफ्यूजी में अभिनय की शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद कपूर ने अशोक और कभी खुशी कभी गम फिल्म दोनों ही फिल्मों में दिखाई दी थी जो 2001 में रिलीज हुई थी और इस तरह की भूमिकाओं में इनको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था। इनका दोनों मूवी 2001 में रिलीज हुआ था और नाटकों में भूमिकाओं के साथ जो खूब जो है सराहा गया था और स्थापित किया गया था। इसके बाद उनकी दोहराव वाली भूमिकाओं के लिए व्यावसायिक जो विफलताओं और नकारात्मक समीक्षाओं की एक श्रृंखला आई थी जो 2004 के कपूर के करियर में एक जो है महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्होंने चमेली नाटक में एक जो यानी कि सेक्स वर्कर के रूप में टाइप के खिलाफ जो है खेला था। उन्होंने इस फिल्म में 2004 के नाटक देव में एक जो है दंगा पीड़ित के चित्रण और 2006 की अपराध फिल्म जो है ओमकरा में साथ ही जो है विलियम एंड साथ ही शेक्सपियर की नायिकाओं के साथ जो है इनकी देश दोमान पर यानी कि देश दे मोना पर जो है आधारित मूवी थी। एक चरित्र के लिए महत्वपूर्ण पहचान अर्जित की रोमांटिक कॉमेडी जब वे मेड फिल्म 2007 में रिलीज हुआ था शाहिद कपूर के साथ और एक मैं और एक तुम फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी और थ्रिलर कुर्बान फिल्म 2009 में इनका रिलीज हुआ था और तलाश तो यानी कि आंसर लाइज फिल्म विद इन 2012 में आई थी और ड्रामा बी आर जो फैमिली में उनके प्रदर्शन के लिए और भी प्रशंसा मिली। 2010 में हीरोइन मूवी 2012 में और उड़ता पंजाब फिल्म 2016 में आया था। उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले रिलीज फिल्म में एक्शन फिल्म जो है सिंघम रिटर्न्स एंड 2014 की कॉमेडी गुड न्यूज़ फिल्म 2019 में रिलीज हुई और ड्रामा 3D एडियस फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी और साथ ही बॉडीगार्ड फिल्म 2011 में और बजरंगी भाईजान फिल्म 2015 में शामिल है। इनमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म बजरंगी भाईजान है। करीना कपूर ने अभिनेता सैफ अली खान से शादी की है जिनसे उनके दो बेटे हैं। उनका यानी कि ऑफ स्क्रीन जीवन भारत में व्यापक जो है इनकी कवरेज का विषय रहा है। मुखर और साथ ही मुखर होने के लिए जानी जाने वाली उन्हें अपनी जो है फैशन और शैली और फिल्म जो है भूमिकाओं के माध्यम से फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। फिल्म में अभिनय के अलावा करीना कपूर स्टेज शो में भाग लेते हैं, एक रेडियो शो की मेज़बानी करते हैं और दो आत्मकथा और साथ ही जो है संस्करणों और साथ ही जो है इनकी पोषण गाइड की दो जो है पुस्तकों के सह लेखक के रूप में योगदान दिया है। उन्होंने महिलाओं के लिए कपड़ों और साथ ही सौंदर्य एन प्रधान और साथ ही इनकी प्रसाधनों की अपनी जो है लाइन शुरू की है और 2014 से लड़कियों की शिक्षा और भारत में साथ ही गुणवत्ता के साथ जो है आधारित जो शिक्षा में वृद्धि की वकालत करने के लिए यूनिसेफ के साथ जो है काम किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बेवफा फिल्म में बेवफा मूवी की रिव्यू कर रहे हैं और अभी हम बात कर रहे हैं इस फिल्म की अभिनेत्री करीना कपूर के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इनके फैन हो और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा
करीना कपूर सबसे पहले जो है संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान करीना कपूर को राकेश रोशन की कहो ना प्यार है मूवी में सबसे पहले ऑफर किया गया था। इस मूवी में 2000 के दशक में ऋतिक रोशन के साथ जो है मुख्य भूमिकाओं में इनको लिया गया था। फिल्म मंकन में कई दिन लग गए थे, हालांकि उन्होंने इस परियोजना को छोड़ दिया क्योंकि जो है निर्देशक के बेटे को उनके अधिक जो है प्रमुखता दी गई थी, इसी के वजह से इन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस साल बाद जो है अभिषेक बच्चन के साथ जो कि उनके साथ जो है जेपी दत्ता की उनके साथ रिफ्यूजी में डेब्यू किया, जो सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो है करीना कपूर को एक जो है बांग्लादेशी लड़की की नाच के रूप में पेश किया गया था, जिसके साथ जो है अमिताभ बच्चन के चरित्र को प्यार हो जाता है और उनके साथ जो है जेपी दत्ता ने उन्हें उसमें जो है पाई गई और साथ ही युवास्था और साथ ही जो है मासूमियत के संयोजन के लिए कास्ट किया था और करीना कपूर ने उनके सहयोग को एक जो है सीखने का अनुभव माना था, जिसने उन्हें व्यक्तिगत और साथ ही पेशेवर रूप से मदद की और बॉलीवुड हंगामे के तरण आदर्श ने जिस जो है सहजता के साथ वह सबसे जो है कठिन दृश्यों को प्रस्तुत करती है साथ ही जो है उल्लेख किया है। और इंडिया टुडे ने बताया है कि वह हिंदी फिल्म अभिनेताओं की एक नई जो है इनकी नस्ल से संबंधित है जो चरित्र रूढ़ियों से दूर हो जाती है और साथ ही रिफ्यूजी को भारत में बॉक्स ऑफिस पर माध्यम सफलता मिली और कपूर के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। और कैमरे से दूर मुस्कुराते हुए करीना कपूर नजर आई थी 2001 में कभी खुशी कभी गम फिल्म पर एक जो है किताब के विमोचन के अवसर पर कपूर जो है सतीश कौशिक की बॉक्स ऑफिस पर हिट जो है मुझे कुछ कहना है फिल्म जो 2001 में करीना कपूर को तुषार कपूर के साथ जोड़ा गया था। द हिंदू में एक के समीक्षक में कहा गया है कि उनकी पहली दो फिल्मों के आधार पर वह जो है निश्चिंत रूप से देखने वाली अभिनेत्री थी। इसके बाद उन्होंने सुभाष घाई की जो है यानी कि फ्लॉप यादों में अभिनय किया था। उसके बाद जो है अब्बास मस्तान की माध्यम रूप से सफल थ्रिलर मूवी अजनबी में अभिनय किया था। उसी वर्ष बाद में वह जो है संतोष इंसाते सिवन की अवधि के महाकाव्य अशोक में दिखाई दी जो कि भारतीय सम्राट इन अशोक के साथ जो है जीवन का आंशिक रूप से काल्पनिक जो है विवरण फिल्म है। शाहरुख खान के साथ चित्रित कपूर ने अपने जो है चरित्र एन साथी जो है कौर वकी की जटिल एन साथी व्यक्तित्व को निभाने में खुद को जो चुनौती दी जिसके साथ जो है अशोक को प्यार हो जाता है। इन अशोक को जो है यानी कि विनीस और 2001 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। अशोक फिल्म को बहुत ज़्यादा जो है इनकी प्रशंसा मिली थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा दी गई थी, लेकिन भारत में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। इसका श्रेय जो है आलोचकों द्वारा जो है अशोक फिल्म को चित्रित करने के लिए दिया गया था। द ड्रेसेड इन न्यूज के जेफ के साथ जो है इनकी वॉइस ने स्क्रीन पर उनकी आकर्षक जो है उपस्थिति की सराहना की, लेकिन इसके साथ जो है Rediff.com का मानना था कि उनका मुख्य रूप से जो है सौंदर्य एन साथी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया था। और 47वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अशोक फिल्म को कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन जो है सहित जो है 5 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। तो दोस्तों बेवफा फिल्म के साथ साथ हम बात कर रहे हैं करीना कपूर के रियल लाइफ के बारे में, जो इनके रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप करीना कपूर के फैंस हो और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों बता दें मैं अपने चैनल पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ मूवी की रिव्यू एंड मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ही बता सकता हूँ। करीना कपूर के करियर में सफलता तब मिली जब उन्होंने 2001 में जो है मेलोड्रामा कभी खुशी कभी गम फिल्म में एक अच्छे इंसाती स्वभाव वाली सतही लड़की पूजा के रूप में इनको लिया गया था, जिसका व्यक्तित्व उन्होंने करण जौहर के व्यक्तित्व पर बनाया था, जो कि बड़े बजट के प्रोडक्शन का फिल्मांकन जो है करना के लिए कपूर के लिए एक जो है नया अनुभव था और वह इसे एक जो है सपने के सच होने के रूप में याद करती है। कभी खुशी कभी गम फिल्म एक जो है यानी कि बेहद लोकप्रियता फिल्म थी, रिलीज हुई थी, जो कि भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और उस समय तक जो है करीना कपूर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। यह विदेशी बाजारों में अब तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड की सफलताओं में से एक मानी जाती है, जिसने दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक की कमाई किया था।
जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 13 मिलियन से आधे की कमाई की। तरण आदर्श ने करीना कपूर को फिल्म की मुख्य इन सारी विशेषताओं में से एक के रूप में वर्णित किया था और उन्हें इसी भूमिका के लिए अपना जो है दूसरा फिल्म फेयर नामांकन मिला था। इन सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए उनका पहला जो है काफ़ी ज़्यादा साथ था और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भारतीय एकेडमी इफ्फा में जो है नामांकन और स्क्रीन अवार्ड भी मिला था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बताया है कि मुझे कुछ कहना है और कभी खुशी कभी गम मूवी की सफलता ने करीना कपूर को हिंदी सिनेमा की एक प्रमुखता से उभरने वाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। और फिल्म के बारे में Reddit.com ने प्रकाशित किया है कि अशोक फिल्म के साथ वह सबसे अधिक जो है भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी और अभिनेत्री बन गई थी। उस समय तक जो है प्रति फिल्म 15 मिलियन इनको दिया जाता था। 2002 के बाद इन 2003 के दौरान करीना कपूर ने कई परियोजनाओं में काम करना जारी रखा, लेकिन उन्हें एक जो है झटका तब लगा जब जो है सभी 6 फिल्में जिनमें उन्होंने अभिनय किया मुझसे दोस्ती करोगे और उनके साथ जो है जिना सिर्फ मेरे लिए तलाश द हंट बिगनिंग्स मूवी एंड कवि एंड जो है खुशी में मैं प्रेम की दीवानी हूँ और 4 घंटे की युद्ध जो है महाकाव्य NLOC कारगिल फिल्म जो है समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से असफल रही थी। आलोचकों ने इन सभी फिल्मों में उनके अभिनय को कभी खुशी कभी गम मूवी में उनके धारा जो है निभाए गए चरित्र की साथी जो है इनकी विविधता के रूप में वर्णित किया था और चिंता व्यक्त की थी कि वह जो है इनकी टाइपकास्ट बन रही है। और बाद में उन्होंने इसी अवधि के बारे में सकारात्मक जो है बात की और इसे जो है इनकी लाभकारी पाठ के रूप में याद किया जाता है जिसने जो है उन्हें कड़ी मेहनत करना सिखाया था और कलात्मक जो है इनकी योग्यता के बजाय जो है वित्तीय लाभ के लिए इन जो भूमिकाओं को स्वीकार करने की बात जो है कबूल की थी। दोस्तों ये 4 के 4 फिल्में जो है लगातार फ्लॉप हुए थे कभी खुशी कभी गम मूवीज़ के बाद और इनको इन मूवीज से कोई भी सफलता नहीं मिली थी और इनके करियर में बहुत ज़्यादा निराशा हुआ था क्योंकि इस तरह जो है किसी एक्टर्स के फिल्म जो है लगातार फ्लॉप होते हैं तो उनको फिल्में मिलना जो है कम कर दिया जाता है और उनको जो है कम मूवीज ऑफर किए जाते हैं, लेकिन बाद के करियर में इनको जो है बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। आइए अब हम जानते हैं दोस्तों बेवफा फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अब बात करते हैं 2004 के बारे में। जब 2004 तक करीना कपूर एक अभिनेत्री के रूप में अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए उत्सुक हो गई थी और इसी तरह उन्होंने पारंपरिक जो है ग्लैमरस लीड के अलावा और अधिक जो है चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने का फैसला किया। सुधीर मिश्रा के साथ जो है निर्देशन में कपूर ने साथ ही चमेली फिल्म में एक जो है सुनहरे दिल वाली साथी वेश्या के रूप में अभिनय किया था, जो एक जो है इनकी विधवा निवेश के साथ जो है बैंकर राहुल बोस के साथ जो है मिलती है। जब जो है करीना कपूर को पहली बार भूमिका की पेशकश की गई तो उन्होंने यह समझते हुए कहा कि वह इस यानी भूमिका में असहज होगी। जब जो है मिश्रा ने दूसरी बार उनसे संपर्क किया तो वह नरम पड़ गई और भूमिका की तैयारी के लिए रात में मुंबई के कई रेड जो है लाइट जिलों में यौन कर्मियों के तौर तरीकों और साथ ही उनके कपड़े पहनने के तरीका अध्ययन करने गई थी। 20 मिलियन से लेके ये फिल्म जो है 2,60,000 के उत्पादन बजट के साथ जो है स्वतंत्र फिल्म ने करीना कपूर धारा पहले अभिनीत जो है हाई प्रोफाइल इन साथी प्रस्तुतियों से एक प्रस्थान को चिन्हित किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सभी जो है इनके अपेक्षाओं को पार करने के लिए उनकी प्रशंसा की। हालांकि फिल्म के बारे में Reddit.com ने उनके चित्रण को असंबंध किया और साथ ही अत्यधिक जो है इनकी रूढ़िवादी पाया। उनके तौर तरीकों की तुलना जो है कैरी चेर के साथ की थी और चमेली फिल्म ने करीना कपूर के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में चिन्हित किया और उन्हें जो है 49वें फिल्मफेयर पुरस्कार में एक विशेष जूरी मान्यता मिली थी। अब करीना कपूर ने अगली बार जो है मणिरत्नम की युवा में सह अभिनय किया था, जो कि समाज के विभिन्न जो है तबके के 3 जो है युवाओं के बारे में एक जो समग्र फिल्म है जिनका जीवन एक कार दुर्घटना से टकराता है और उन्होंने विवेक ओबेरॉय की रोमांटिक रुचि के रूप में अभिनय किया था और अधिक जो है भूमिका न होने के बावजूद जो है रत्नम के साथ काम करने की उनकी इच्छा के कारण जो है वह इसी परियोजना के लिए सहमत हो गई थी। फिल्म समीक्षक जो है सुभाष के झा ने सहमति व्यक्त की थी और उनकी भूमिका जो है इनकी निर्थक थी, लेकिन जो है आगे कहा कि करीना कपूर अपने चरित्र जो है इनकी लक्षणों का उपयोग करते हैं एक जो है ऐसी लड़की बनाने के लिए कि लाभ उठाती है और एक बार में
खुद के साथ जो है इनकी गुद और सब कुछ जो है छोड़ती है। इसके बाद वह जो है इनकी गोबिन इन साथी नहलाने की समीक्षा और धारा प्रशंसित जो है फिल्म देव में अमिताभ बच्चन और फरदीन खान के साथ दिखाई दी, जो कि गुजरात में 2002 के हिंदू मुस्लिम दंगों के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी दिखलाई गई है। फिल्म के अंदर करीना कपूर ने एक मुस्लिम जो है पीड़ित के रूप में अभिनय किया और ईश्वर प्रदान करके साउंड डेक में योगदान दिया। और साथ ही निहलानी जो है शुरू में मुख्य धारा की व्यवसायिक जो है अभिनेत्री को कास्ट करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन उन्होंने पाया कि करीना कपूर ने अपने वर्षों से परे एक जो है कि इस स्तर की बुद्धि यानी कि बुद्धिमानता और साथ ही संवेदनशीलता का प्रदर्शन दिया था। वह उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक थी क्योंकि उनकी फिल्में जो है इनकी अर्ध एन साथ ही सत्य फिल्म 1983 की और तसन फिल्म और साथ ही जो है तमस फिल्म 1988 में उन्हें जो है सिनेमा के लिए गहरी जो है सराहना दी गई थी और उनके चरित्र की जो है मजबूत और सरल होने की क्षमता के साथ जो है पहचाना गया था। और इसने उनकी जो है आलोचनात्मक प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड अर्जित किया था। तो दोस्तों इसी तरह करीना कपूर अपने करियर में आगे बढ़ती चली गई और इनको कई सारी सफलताएँ मिली है, लेकिन जब एक तरफ जो है 2004 से पहले इनकी कई सारी फिल्में जो फ्लॉप हुए थे, तलाश जैसी मूवी फ्लॉप हुआ था और बाद की कई सारी फिल्में जो है फ्लॉप हो गए थे, लेकिन 2004 के बाद इन्होंने अपनी करियर में वापसी की और लगातार जो है कई सारे फिल्मों में काम किया जो कि लगातार हिट भी हुए थे बॉक्स ऑफिस पे। करीना कपूर को पहली बार एक ऑनलाइन डकैती के बारे में थ्रिलर फिल्म फिदा में देखा गया था, जिसमें 2004 में इन्होंने अभिनय किया था। फिल्म के अंदर खलनायक के रूप में इनको लिया गया था, जो आलोचकों ने उनकी पिछली भूमिकाओं से एक अलग जो है इनकी प्रगति का उल्लेख किया था। उसी वर्ष उन्होंने अब्बास मस्तान की थ्रिलर फिल्म ऐतराज और प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म हलचल में अभिनय किया। ऐतराज एक पुरुष यानी अक्षय कुमार की कहानी को बतलाई गई है। ऐतराज मूवी में अक्षय कुमार की कहानी को बतलाई गई, जिस पर जो है उसकी महिला वरिष्ठ जो है प्रियंका चोपड़ा द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। करीना कपूर को फिल्म में लिया गया था, जो चोपड़ा की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने कुमार की पत्नी की भूमिका निभाने का फैसला किया। यह जानते हुए कि भारतीय महिलाएं उनके चरित्र के साथ जो है बेहतर पहचान करेगी, द टाइम्स ऑफ इंडिया के जीतेश जो है पल्लवी ने करीना कपूर को एक छोटी भूमिका के रूप में पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह जो है इनकी कचहरी के अनुक्रम में जो है अपने बड़े पल को जो है इनके उज्ज्वल रूप से अर्जित करती है। इसी बीच जो है इनकी हलचल फिल्म हलचल मूवी जो है इनकी चीन जो है हलचल मूवी जो है 3 वर्षों में करीना कपूर की पहली व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई। उनकी अगली फिल्म जो है बेवफा मूवी 2005 में रिलीज हुई थी, इसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। 2005 में आलोचकों द्वारा प्रतिबंधित की गई थी और निखत काजमी का मानना था कि एक गंभीर जो है अभिनेत्री बनने के लिए करीना कपूर बेवफा फिल्म में अपने जो है वर्षों से अधिक जो है इनकी परिपक्व एंड अधिक जो है ज्यादा यानी कि सतबद्ध चरित्र को धारण करती थी। फिल्म निर्माता विशाल भरद्वाज ने युवा में करीना कपूर को देखा और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक फिल्म जो व्यवस्था की पृष्ठभूमि के खिलाफ जो है यानी कि स्थापित जो है विलियम एंड साथ ही शेक्सपियर की तरह अधिक फिल्म जो है ओथेलो के एक जो है अनुकूलन इन साथी ओमकर फिल्म में उन्हें अपनी जो है अगली परियोजना में लेने के लिए पर्याप्त रूप से जो है प्रभावित किया था। करीना कपूर को जो है कि देश दो नामों मूवी में साथियों देश दे मोना फिल्म के रूप में चित्रित किया गया था और उन्हें जो है चरित्र की आंतरिक जो है इनके उथल पुथल को चित्रित करने के लिए चुनौती दी गई थी और जिसे जो है उनका मानना था कि यह बहुत जो है अधिक इन साथ सूक्ष्म मूवी है और वश में था। और बाद में उन्होंने करीना कपूर के कास्ट के साथ जो है कई जो है स्क्रिप्ट जो है पठन इन साथ सत्रों में भाग लिया था और इसी परियोजना को उनके लिए एक जो है विशेष यानी कि बताया गया था। ओमकरा फिल्म का प्रीमियर 2006 के अवसर पर किया गया था, 2006 के कान फिल्म समारोह में हुआ और काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो समारोह में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म फेयर ने उनके चरित्र की विभिन्न जो है भावनाओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की और उनके चित्रण ने उन्हें जो है चौथा फिल्म फेयर और साथ ही पहला स्क्रीन पुरस्कार भी दिलाया था। करीना कपूर इसे जो है अपनी भूमिकाओं में एक जो है इनकी पसंदीदा मानते हैं और डॉल के
अपने चित्र उनके तुलना में एक जो है महिला के रूप में अपने जो है इनकी विकसित जो है परिपक्व से काम करते हैं। तो दोस्तों फाइनली वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बेवफा मूवी को, और अभी हम बात करें इस मूवी की अभिनेत्री करीना कपूर की रियल लाइफ के बारे में। अगर आप भी करीना कपूर मैम के फैंस हैं और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब करीना कपूर अगली बार जो है 2007 में चौथी बार जो है तीन बनाई गई, जिसमें जो है यानी कि टीम बनाई गई, जिसमें उन्होंने एक जो है जीवंत सिख लड़की को जीवन के लिए जो है उत्साह के साथ जो है चित्रित किया था। निर्देशक इम्तियाज अली इसके निर्माण थे और पहले एक जो है परिचित व्यक्ति नहीं थे, लेकिन करीना कपूर ने उनकी पत्रकता से मोहित जो है होने के बाद फिल्म के लिए सहमति व्यक्त की थी। ढिल्लों के विपुल व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तित्व को साथ ही व्यंग्यात्मक यानी कि व्यंग्यात्मक जो है बनाए बिना जो है प्रभावित ढंग से चित्रित करने के लिए उन्हें जो है चुनौती दी गई थी। जब वह मिड फिल्म जो है समीक्षकों ने पसंद किया था और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, बीबीसी ने टिप्पणी किया है कि भूमिका के लिए भोलेपन और सहजता के मिश्रण की आवश्यकता थी और वह करीना कपूर के प्रयास से जो है प्रभावित हुए थे और राजीव मंसद ने उन्हें जो है फिल्म की सबसे बड़ी ताकत करार दिया था। करीना कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और उनके दूसरे स्क्रीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब वे मेड फिल्म जो है शूटिंग के दौरान करीना कपूर और साथ ही शाहिद ने अपने जो है 4 साल के रिश्ते को ख़त्म कर दिया और उसने स्वीकार किया है कि विभाजन से उसका जो है दिल टूट गया था, लेकिन उसने कहा कि वह उसके साथ एक दोस्ती बना रही है। अगले वर्ष करीना कपूर ने विजय कृष्णा आचार्य की टसन फिल्म में सह अभिनय किया था, जहाँ वह अभिनेता सैफ अली खान से अपने जो है यानी कि भावी पति से मिली थी। हालांकि रिलीज से पहले दर्शकों द्वारा अत्यधिक प्रत्याशित जो है फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया था। इस फिल्म को यश राज फिल्म और साथ ही वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स की जो है की एनिमेटेड फिल्म इन साथ जो है की रोड साइड रोमियो में एक स्ट्रीट जो है डॉग की प्रेम रुचि के चरित्र के लिए अपनी जो है आवाज़ देने के बाद करीना कपूर ने एक जो है अविश्वासीय पत्नी की भूमिका निभाई, जिसे विश्वास था कि उसका पति रोहित शेट्टी की कॉमेडी यानी कि गोलमाल रिटर्न फिल्म में बेवफा था जो 2006 की फिल्म जो है इनकी गोलमाल फन अनलिमिटेड की अगली कड़ी फिल्म थी और आलोचकों से एक जो इनकी दृढ़पक्षीय मूवी थी और इस फिल्म को स्वागत मिला था। इंडियन एक्सप्रेस का मानना था कि पटकथा जो है इनकी व्युतिपर्ण मूवी थी और यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उनके पात्रों में जो है इनकी मौलिकता का अभाव है और कपूर को अपनी जो है अभिनय शैली में यानी कि सुधार करना चाहिए। इन गोलमाल रिटर्न्स फिल्म 793 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो फिल्म ने 10 मिलियन के वार्षिक जो है राजस्व के साथ एक जो है वित्तीय सफलता फिल्म थी और ये मूवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म है करीना कपूर की। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेवफा फिल्म के बारे में, जिसे 2005 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। तो वीडियो में अगर आप लोग नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे अननोन फैक्ट को बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। साल 2009 में करीना कपूर को शब्बीर खान की सिक्स ऑफ द यानी कि सिक्स कॉमेडी कमबख्त इस फिल्म जो है यानी कि सिमरिता रॉय के एक सर्जन जो एक मॉडल के रूप में चांदनी देती है के रूप में इनको फिल्म के अंदर लिया गया था और लॉस के साथ जो है एंजलिस में स्थापित की गई थी। यह महसूस करते हुए कि यूनिवर्सल इन साथियों स्टूडियो में शूट की गई पहली भारतीय फिल्म थी और फिल्म को आलोचकों द्वारा खराब रूप से प्राप्त किया गया था, लेकिन वह एक जो है आर्थिक सफलता फिल्म बन गई थी। जब बॉक्स ऑफिस पर जो है मूवी फ्लॉप हो गई थी और श्रीमती खन्ना के साथ इसके बाद जो है आई, जिसके बाद उन्होंने नाटकीय थ्रिलर फिल्म कुर्बान में प्रमुखता इनको मिला और भूमिका निभाई थी और करीना कपूर को एक ऐसी महिला के रूप में अभिनय किया था। करीना कपूर की अगली फिल्म को जो है खराब आलोचना धारा मिला था रूप से प्राप्त किया गया था, लेकिन यह फिल्म आर्थिक सफलता मूवी बन गई और बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हो गई थी और साथ ही श्रीमती खन्ना इसके बाद जो है आई थी, जिसके बाद उन्होंने नाटकीय थ्रिलर फिल्म कुर्बान में प्रमुखता हासिल की थी, प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी। करीना कपूर को एक ऐसी महिला के रूप में अभिनय किया गया था जिसे
अपने पति के आतंकवादी होने का पता चलने के बाद वो जो है घर में जो है नज़र बंद कर दिया गया था और उसने जो है पाया कि फिल्म जो है भावनात्मक रूप से थका देने वाला अनुभव है, क्योंकि अपने जो है चरित्र से अलग हो जाना यानी कि कितना जो है मुश्किल था। करीना कपूर ने अपना 4th फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन प्राप्त किया था इस मूवी से। द इकोनॉमिक मूवी टाइम्स के साथी गौरव मलानी ने टिप्पणी किया है कि लंबे समय के बाद अभिनेत्री को उनके करियर को बढ़ावा देने की क्षमता के साथ जो एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी, जबकि सुभाष के झा ने इसे जो है संवेदनशीलता के रूप में इनको लिया गया था और एक साथ जो है निभाई गई थी और उनके अब तक के सबसे जो है इनकी लगातार इन बेहतरीन प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया गया था। कैमरे से दूर दिख रही करीना कपूर 2009 में 3 Idiots फिल्म के प्रीमियर पर कपूर उस वर्ष कपूर का दूसरा फिल्मफेयर नामांकन राजकुमार हिरानी की 3 Idiots फिल्म के लिए आया था, जो कि चेतन भगत के उपन्यास पर जो फाइन एंड पॉइंट के साथ जो है इनके सम वन पर आधारित मूवी था। इसमें जो है आमिर खान और साथ ही इनकी माधवन और उनके साथ में शर्मन जोशी ने अभिनय किया था और उनकी भूमिका एक जो है मेडिकल छात्रा की थी और उनके साथ जो है प्रेमिका की है और यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनकर उभरी थी, जिसने जो है भारत में 2.3 billion से अधिक की कमाई किया, जो USA में कन्वर्ट कर दे तो 27 million की कमाई किया था और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया था, जो 1.8 billion से अधिक की कमाई किया था, जो USA डॉलर में कन्वर्ट कर दे तो 14 million से आधे की कमाई की, जिसे जो है विदेशी बाजारों में बॉलीवुड की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। डेकन होलार्ड ने कहा है कि करीना कपूर एक जो है यानी कि अन्यथा मर्दाना कहानी के लिए धूप और साथी शत्र की अनुग्रह की एक जो है यानी कि गुड़िया लाती है और अपने जो है चरित्र को निभाते हुए उसकी जो है सहजता पर ध्यान देते हुए 3 Idiots फिल्म को प्रमुखता भारतीय यानी कि पुरस्कार समारोह में कई सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है पुरस्कार मिले और करीना कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इफा पुरस्कार भी दिया गया था। तो दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बेवफा फिल्म को। अगर आप लोग बेवफा फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम बताएंगे बेवफा फिल्म को आप कहाँ से देख सकते हो। कपूर को ध्यान में रखकर इस फिल्म की कहानी को लिखा था और फिल्म में अनिल कपूर को मेन रूप में लिया गया था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप कर गया। दोस्तों क्या रीजन था जिसकी वजह से फिल्म फ्लॉप हुआ, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों बता दें पागलपंती फिल्म को बनाने में 72 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और वहीं पे हम बात कर ले इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों फिल्म ने 49 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और इसी के साथ इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। और दोस्तों इसी के साथ हम बात कर ले अनिल कपूर के बारे में, तो इस फिल्म में वाईफाई भाई के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों साथ ही साथ बात कर ले जोहन इब्राहिम के बारे में, तो राजकिशोर के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं। इसी के साथ इलियाना डीक्रेस के बारे में हम बात कर ले तो संजना के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई हैं और सदवासी फिल्म में जंगी के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं और वासी रोटेला फिल्म में काफे के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है। साथ ही साथ पुलकेश सम्राट के बारे में हम बात कर ले तो चंद्र चंदू के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। कीर्ति करवंदा फिल्म में जानवी फेओ लेंस यानी कि मोना के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है। सौरभ शुक्ला फिल्म में राजा साहब के रूप में अभिनय किए हैं। इमामुल हक फिल्म में निराज मोदी के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। अन्य सहायक किरदार के बारे में हम बात कर ले तो जाकिर हुसैन फिल्म में तुली सेठ के रूप में अभिनय किए हैं। अशोक सम्राट फिल्म में बुल्ली सेठ के रूप में अभिनय किए हैं। विजेंद्र काला फिल्म में मामा जी के रूप में अभिनय किए हैं। मुकेश तिवारी फिल्म में बाबा जानी के रूप में अभिनय किए हुए हैं। एंडोली बिंद्रा राजा साहब की वाइफ के रूप में फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई है। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पागलपंती फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह बता दे दोस्तों पागलपंती मूवी अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित की गई और पनोरमा स्टूडियो के बैनर के तले कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के साथ टी सीरीज के बैनर के तले भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित की गई थी। ये फिल्म एक 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, इलियाना डीक्रेज अभिनय की है। साथ ही साथ अर्षद वारसी और उर्वासी रोटेला, पुलकित सम्राट, कीर्ति खरबंदा और सौरभ शुक्ला भी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई थी। ये मूवी नाटकीय रूप से भारत में 22 नवंबर 2019 को जारी किया गया था।
और इसे रिलीज करने के बाद आलोचकों से आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाएं मिली है, जिन्होंने मुख्य रूप से लेखन की आलोचना की थी। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की भूखंड के बारे में हम बात कर ले तो पागलपंती मूवी की घोषणा 21 सितंबर 2018 को की गई थी। अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के अपने अनुभव को साझा किया था। मिसर ने इस फिल्म की शूटिंग की अनुभव को साझा किया था और इस मूवी के बनाने के बारे में उन्होंने कहा था कि लंदन में शूटिंग किसी के साथ जो है रोलर और कोई स्टार जो है राइड से कमी नहीं थी और वहां के मौसम को देखते हुए हमें कुछ जो है मुश्किल पड़ गई थी फिल्म को बनाने में। इसी के साथ दोस्तों प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो फरवरी 2019 में लंदन में शुरू हुई थी, जहाँ पर लंदन का कार्यक्रम 2 महीने तक चला था और अप्रैल 2019 के अंतिम तक जो है अंतिम हफ्ते में समाप्त हो गया था, जिसमें प्रमुख फोटोग्राफी समाप्त हो गई थी। जॉन अब्राहम मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस के लिए फिल्माते समय घायल हो गए थे। प्रोडक्शन ने फेवरेशन के साथ जो है फिल्माए गए दृश्य, जहां पे मार्केट स्ट्रीट के साथ जो एक व्यवस्था लंदन के साथ बाजार के रूप में 2 गुना ज़्यादा हो गया था, जहां पे गिल्ड हॉल को अतिशब्दी के साथ जो है दुकान में बदल दिया गया था और ऐतिहासिक जो है कार्यकर्ता के साथ चौथम का उपयोग जो है इस प्ले के साथ 5 संग्रहालय इस कार के साथ जो है रिपोर्टिंग किए गए थे, जहाँ पे रो पेरी के साथ स्ट्रीट और एंकर घाट के साथ कार का पीछा करने के दृश्यों के लिए इस फिल्म को आगे बढ़ाया गया था। इसी के साथ बता दे दोस्तों इस फिल्म के रिलीज से पहले एक सीक्वल की योजना बनाई गई है, जहां पे निर्माता कुमार मंगत ने कहा था कि ये एक बड़ी फ्रेंचाइजी होने जा रही है। इसके साथ बता दे दोस्तों फिल्म की पटकथा पर काम शुरू किया गया है, जहां पे पहली बार टीजर पोस्टर 18 को जारी किया जाएगा। 18 को जारी किया गया था अक्टूबर 2019 में, उसी दिन कलाकारों की टुकड़ी के चरित्र पोस्टर भी जारी कर दिए गए थे। फिल्म की रिलीज की तारीख आगे बढ़ाई गई और 22 नवंबर 2019 को रिलीज की गई। पागलपंती को आलोचकों से आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली रिलीज होने के बाद। बॉलीवुड हंगामा इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिए और बैकग्राउंड स्कोर की सिनेमाटोग्राफी की एंड प्रोडक्शन डिजाइन और वेशभूषा की प्रशंसा की, लेकिन लेखन निर्देशन और संगीत और BFX के साथ जो है इस मूवी की आलोचना की थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने एक्शन दृश्यों और छायांकन लेखन गीतों के साथ जो है नियुक्त किए हैं और नायिकाओं के चरित्र चित्रण की प्रशंसा करते हुए इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं। न्यूज 18 की प्रियंका सिन्हा झा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए हैं और अरशद वारसी और ब्रिजेत के साथ जो है कला की प्रशंसा की है, लेकिन लेखन और नायिकाओं के साथ और आपको बता दें घिनौने हास्य की आलोचना भी किए गए हैं। टाइम्स के साथ जो है नाव के एक समीक्षक ने इसी तरह से इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिए और प्रदर्शन कुछ जो है चुटकुले छायांकन और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की है। आलोचकों के साथ मूवी के उद्देश्य लंबाई लेखन और आपको बतला दे संपादन करना था। द मैजिक जो है PR ने फिल्म को 5 में से 4 लगाने और लेखन के साथ जो अंतराल की प्रशंसा की थी और कहा था कि जॉनी पर पैसा लगा दो, एक पॉइंट जो है यानी कि हंसी दंगा के लिए पागलपंती गिरोह में शामिल किए गए हैं। इसी तरह इस फिल्म को मीट डे की विनम्र माथुर ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए हैं और इसे अनजाने में मजेदार पाया था। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के सुपूर्णा सरकार ने इसी तरह से फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और अनिल कपूर और सौरभ शुक्ला की आपको बता दें साझेदारी की प्रशंसा करते हुए कुछ दृश्यों की आपको बता दें साझेदारी की प्रशंसा करते हुए फिल्म की मजाकिया लगा था। हालांकि फिल्म के समीक्षक ने पटकथा अच्छी कॉमेडी और इसके अलावा जो है पंच लाइन की कमी के बारे में कहा था और जबरदस्ती गाने की आलोचना की थी, क्योंकि फिल्म के बारे में Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने इसे 5 में से 1 स्टार दिए और हास्य BFX के साथ जो है आलोचना की थी और फिल्म की स्क्रिप्ट को पूर्व विद्यालय के सपनों की सामग्री के रूप में लेबल किया और प्रदर्शन को स्कूली नाटक के लिए बेहतर अनुकूल पाया था। हिंदुस्तान टाइम्स से ज्योति शर्मा बावा ने हास्य लेखन और संवाद संगीत नायिका और जबरन जो है देशभक्ति की आलोचना की है फिल्म के अंदर। इसी तरह दोस्तों और अधिक जानने की कोशिश करें तो फिल्म का संगीत साजिद वाजिद, यो हनी सिंह और तनिष बागची और नईम सबीर ने दिए हैं, जिसके बोल शबीर अहमद, आरफन खान जो है और इसके साथ जो है महमूद यो हनी सिंह और दानिश साबरी ने लिखे हैं। फिल्म प्यार किया तो डरना किया क्या गीत जो है तुम पर हम है अटके मूल रूप से हिमेश रेशमिया द्वारा रचित किए गए सुधाकर शर्मा के गीत और कुमार सानू और कविता कृष्णा मूर्ति द्वारा गाया गया था। इसे तनिष बागची ने फिर से बनाया था। आपको बतला दे चालबाज फिल्म का गीत बीमार दिल, जिसे मूल रूप से लक्ष्मीकांत एंड साथी प्यारेलाल धारा संगीतबद्ध किया गया था,
गीत अदन के साथ जो है बख्शी धारा और मोहम्मद जो है अजीज, और आपको बतला दे कविता कृष्णा मूर्ति धारा गाया गया था, जिसे जो है आपको बतला दे बागची ने फिर से बनाया था। साजिशवादी धारा रचित किए गए शीर्षक ट्रैक जो है पागलपंती का थीम संगीत बदमी को 2007 की फिल्म वेलकम के शीर्षक के ट्रैक से लिया गया था। इसके अलावा पागलपंती का ओपनिंग डे, इसके अलावा आपको बता दें डोमेस्टिक जो है कलेक्शन 4.75 करोड़ बतलाई गई थी। दूसरे दिन फिल्म ने 6.50 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया था, और तीसरे दिन फिल्म ने 8.25 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया था, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड जो है कलेक्शन 19.50 करोड़ हो गया था। 23 दिसंबर 2019 तक भारत में 39.3 करोड़ और विदेशों में फिल्म ने 9.87 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का दुनिया भर में 49.17 करोड़ से अधिक की कलेक्शन इस फिल्म के अंदर बतलाई गई है। और इसी के साथ इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था, क्योंकि फिल्म को बनाने में इससे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए थे। 70 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया गया था और फिल्म ने 50 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जिसकी वजह से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों फिल्म की कहानी राज किशोर से स्टार्ट होता है, दुर्भाग्य से ग्रस्त है, जो उसके लंबे समय के दोस्त जग जंकी मोहन और चंदू का ठग है, जहाँ पे कंठ का भी अनुसरण करता है। तीनों द्वारा किए गए किसी भी उद्यम के परिणाम में नुकसान या फिर जो असफलताएं ही होती है, यहाँ तक कि उद्घाटन के दिन उनकी पातकों की दुकान भी जल जाती है। तीनों ने संजना को राज से प्यार करने और एक नया पैकेज जो है वितरण व्यवसाय करने के लिए बैंक ऋण दिलाने के धारा इस फिल्म के साथ जो मूर्ख बनाया था। उनके धारा पहले भी इसी तरह मूर्ख बनाए जाने के बाद उसके चाचा ने उन्हें वाह दी थी और उनके पैसे वापस मांगे, और तीनों वहां से भाग जाते हैं, जहाँ पे अनजाने में अपनी पहली जो है डिलीवरी समाप्त कर देते हैं, जहाँ पे जानवी के लिए एक महंगी स्पोर्ट कार और एक जो है यानी कि गैंगस्टर राजा साहब की बेटी, और आपको बतला दे वाईफाई भाई की भतीजी राजा के बहनोई के कार को नष्ट कर देते हैं, नष्ट करने में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे जिसके लिए राजा साहब और उनके गुंडे उन्हें जो है प्रताड़ित करते हैं और नौकरों के रूप में अपनी जो है सेवाएँ देते हैं। एक सुझाव जिसे जो है वाईफाई भाई स्वीकार करते हैं कि वह राजा साहब को उनके ज्योतिष के साथ जो है इच्छा के विरुद्ध जो है काम पर रखने के लिए मना लेता है। इसके अलावा बता दें किशोर की खराब जो है किस्मत से अवगत हो जाते हैं, उन्हें जो है डिस्पोजेबल के नौकरों के रूप में नियोजित किया जाता है। जंगी और चंदू का उपयोग भोजन के परीक्षण के लिए किया जाता है, इसे राजा साहब और वाईफाई भाई के दुश्मनों ने जहर दिया होगा, जबकि जो है राजा यात्रा के दौरान उनके जो है प्रलोभ के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रक्रिया में चंदू और जानवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अपने एक यात्रा कार्यक्रम के दौरान पुराने दुश्मनी और तुली और बुली के साथ जो है सेठ उनके काफिले पर हमला कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि वाईफाई भाई एक कायर इंसान है। अपनी निरंतर के साथ जो है प्रतिद्वंदिता से तंग आकर वो व्यवसाय से डॉन के साथ जो है बने नीरज मोदी, जो भरी कर्ज लेकर वहां भारत से फरार हो जाने पर प्रत्येक पार्टी को निवेश करने के लिए 700 करोड़ की पेशकश करके अपने जो है संघर्ष को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया। अपने खराब जो है भाग्य के निरंतर पर प्रहार से राज जो है जंकी और चंदू आग का जो है कारण बनते हैं, जो पैसे के पूरे ढेर को जला देता है। अपने पैसे को बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई भाई तीनों को उनके भाग्यशाली घोड़े पर दाव लगाने के लिए भेजते हैं, और इसके बजाय वह दूसरे घोड़े के बारे में बातचीत सुनते हैं और उस पर जो है दाव लगा लेते हैं, जो इसके बजाय जो है यानी कि दौर हार जाते हैं, जहां पे राजा साहब और वाईफाई भाई को भुगतान करने में असमर्थ तीनों जो है जानवी और संजना और उनके चाचा के साथ भाग जाते हैं, जहां पे समूह एक जो है गोंदर ट्रक पर समाप्त हो जाता है, जहां पे जानवी के होंठ चंदू के गालों से चिपक जाते हैं और संजना और उसके प्यार के बारे में सभी को पता चल जाता है। जहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो इसके आगे दोस्तों क्या हुआ, चलिए अब हम बात करते हैं। खराब किस्मत जो है जंकी और चंदू एक आग का कारण जो है बनते हैं, जो पैसे के पूरे ढेर को जला देते हैं। अपने पैसे को बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई भाई तीनों को उनके भाग्यशील के साथ जो है भाग्यशाली घोड़े पर दाव लगाने के लिए कहते हैं। यहाँ पे भाग्यशाली घोड़ा था उनका, इसके बजाय वो दूसरे घोड़े पर दाव लगा लेते हैं, जिसके वजह से वो दाव हार जाते हैं। इसके बाद राजा साहब और वाईफाई भाई को भुगतान करने में असमर्थ तीनों के साथ जो है जानवी और संजना और उनके चाचा के साथ भाग निकलते हैं। समूह एक गोल ट्रक पर समाप्त होता है, जहां पे जानवी के होंठ चंदू के गाल से चिपक जाते हैं और संजना और उसके चाचा उनकी पीठ पर चिपक जाते हैं।
एक के साथ जो है प्रत्यक्ष घर में पहुंच जाते हैं जहां पे वह काव्या से मिलते हैं और वहां पे रहकर अपने जो है अभिनय करियर में अस्वीकार का सामना करने के बाद भूत के रूप में रहते हैं। वहां पे राजा को आपको बतला दे गलती से एक जहन की तहखाना मिल जाता है जहां पे नीरज जो है नकदी का भंडार रखते हैं जहाँ पे तीनों पैसे चुरा लेते हैं और राजा साहब और वाईफाई भाई के घर पहुँच जाते हैं। जब उन्हें नीरज द्वारा उन्हें भुगतान न करने के लिए मार डाला जाता है तो पैसे का निपटान करने और नीरज की संपत्ति खरीद लेते हैं। आखिरकार नीरज को पता चलता है कि तीनों ने उसकी संपत्ति खरीदने के लिए खुद को पैसे चुराकर उस पर जो है उपवास किया था। वह राजा साहब के घर पहुंच जाते हैं और उन सभी को जान से मारने की धमकी देते हैं। राजा उसे याद दिलाते हैं कि उसका पैसा उसका नहीं है बल्कि भारत से चुराया गया है और राजा खुद को उनके बैंकों में से एक का पूर्व जो है कर्मचारी है जिससे नीरज ने कर्ज लिया था और इस तरह की नीरज के कारण जो है नौकरी गंवाने वाले कई लोग जो है शामिल थे और वहाँ पे नीरज के गुर्गों को पैसे अपने पास जो है रखने के लिए उकसाते हैं और तीन भागे हुए शेरों को शामिल करते हुए एक जुहैन के झोपड़े में चले जाते। एक जो है झोपड़पट्टी होती है जहाँ पे नीरज को हिरासत में लेने के लिए आने वाले जासूसों के साथ जो है समाप्त हो जाती है। राज जंगी और चंदू राजा साहब और वाईफाई भाई के साथ अपने जो है मतभेदों को सुलझा लेते हैं और सदा खुशी रहते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी समाप्त हो जाती है। बता दें दोस्तों पागलपंती मूवी की घोषणा 21 सितंबर 2018 को की गई थी। अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के अपने अनुभव को साझा किया था। एक बयान में उन्होंने कहा था कि लंदन में शूटिंग किसी रूलर के साथ को स्टार राइड से कम नहीं थी जहां पे वहां मौसम को देखते हुए फिल्म की सीक्वल को थोड़ा सा शूट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। यह फ्रेंड्स आपने सही सुना। बता दें दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पागलपंती फिल्म को जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। ये फिल्म 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, एलियाना डिग्रेज एंड अरशद वारसी और उनके साथ कई सारे स्टार कास्ट इस फिल्म में शामिल थे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई और ये मूवी नाटकीय रूप से भारत में 22 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। इसे आलोचकों से आमतौर पर प्रतिक्रिया समीक्षाएं मिली जिन्होंने मुख्य रूप से लेखन की आलोचना की थी। पागलपंती की मूवी की घोषणा 21 सितंबर 2018 को की गई थी। अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के अपने अनुभव को साझा किया था और एक बयान में उन्होंने कहा था कि लंदन में शूटिंग किसी रोलर या फिर कोई स्टार साइट के साथ नहीं की जाएगी और इसके अलावा आपको बता दें प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 के लंदन में शुरू हुई थी। दोस्तों लंदन में शूटिंग शुरू किया गया था 2019 के अंतिम हफ्ता में समाप्त हो गया था जिसमें प्रमुख फोटोग्राफी समाप्त हो गई थी। जॉन अब्राहम मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस के सीन समाप्त करते समय उनको थोड़ा सा चोट लग गया था। सीन थोड़ा सा मुश्किल था जिसके वजह से जॉन अब्राहम घायल हो गए थे। प्रोडक्शन ने फेवरेशन में फिल्माए दृश्यों के साथ जहाँ पे मार्केट स्ट्रीट के साथ जो है वेस्टर्न लंदन बाजार के रूप में दो गुना हो गया था और गिल्ड हॉल को जो है कि अतिशक्ति के साथ जो है दुकान में बदल दिया गया था जहाँ पे ऐतिहासिक और आपको बता डार्क के साथ जो है चौथम का उपयोग भी किया गया था। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पागलपंती फिल्म के बारे में। तो ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। तो प्लीज़ दोस्तों पागलपंती फिल्म में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो के अंत में हम बात कर लेते हैं पागलपंती मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता है मैं अपने चैनल पे मूवी को रिव्यू करता हूँ, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बतलाता हूँ। बता दें दोस्तों ये मूवी 2019 में रिलीज की गई थी और ये मूवी रिलीज होने के बाद फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई थी और ये मूवी नाटकीय रूप से भारत में 22 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। रिलीज होने के बाद बता दें दोस्तों फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। इसी तरह दोस्तों पागलपंती मूवी की घोषणा 21 सितंबर 2018 को की गई थी। अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के अपने अनुभव को साझा किया था कि एक बयान में उन्होंने कहा था लंदन में शूटिंग किसी रोलर को स्टार राइड से कम नहीं थी, वहां के मौसम को देखते हुए हमें कुछ यानी कि मुश्किलें हो गई थी फिल्म को बनाने में। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में लंदन में शुरू हुई थी। लंदन का कार्यक्रम 2 महीने तक चला और अप्रैल 2019 के अंतिम हफ्ता में समाप्त हो गया था जिसमें प्रमुख फोटोग्राफी समाप्त हो गई थी जहां पे जॉन अब्राहम मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीन में फिल्माते समय घायल हो गए थे। प्रोडक्शन ने फेवरेशन में फिल्माए गए एक दृश्य जहां पे मार्केट स्ट्रीट एक जो है यानी कि वेस्ट लंदन बाजार के रूप में दोगुना हो गया था और गिल्ड हॉल को आतिशबाजी की दुकान में बदल दिया गया था जहाँ पे ऐतिहासिक जो है यानी कि डॉकयार्ड के साथ चैथम का उपयोग
ड्रॉप किया गया था। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। इसी तरह बता दें दोस्तों, फिल्म में अनिल कपूर वाईफाई के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। वाईफाई भाई के रूप में आप इनको इस फिल्म में देख सकते हैं। जॉन इब्राहिम के बारे में हम बात कर ले तो राज किशोर के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं, और साथ ही साथ इलियाना डिक्रिस के बारे में हम बात कर ले तो संजना के रूप में फिल्म में अभिनय की है। अरशद वारसी फिल्म में जंकी मोहन के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों पागलपंती फिल्म को बनाने में 71 से लेकर 72 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और वहीं पर इस फिल्म ने 50 करोड़ से थोड़ी सी अधिक की कमाई की है, और इसी के साथ फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। तो बता दें दोस्तों, वीडियो में हम बात कर रहे हैं पागलपंती मूवी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।